Hallelujah. Hallelujah. पास्टर बिरजू, पास्टर विशाल अगर आप आना आगे आना चाहे तो पास्टर बिरजू अगर आना चाहे बोलो प्रभु यीशु मसीह की ये मेरे लिए और आपके लिए सौभाग्य की बात है कि हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। एक बड़ी आंधी तूफान पिछले दिनों में उठा था, उठना भी चाहिए। मैं जब हमारे यूपी में जब कलीसियाओं में जब प्रसिक्यूशन होते हैं कभी कभी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु खरे लोग निकल कर बाहर आए जो सच में तेरे। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है सात दिशाओं में क्या हो जाएंगे। सो प्रभु मुझे और आपको खड़ा करने के लिए, खड़े रहने के लिए, गवाही देने के लिए प्रभु मुझे और आपको मौका देता है। पिछले दिनों में हम बहुत ही मुश्किल समय से होकर पुलिस और भैया भी थे हमारे साथ, विक्रम भैया थैंक यू, आप सब बहुत अच्छे हो, आप एक कॉल पर आप आके खड़े हो जाते हो, इसलिए आप लोग खुदा बहुत आपको आशीष दे। हालेलुया। बाइबल कहता है जो दूसरों की खेती सींचता है प्रभु उनका। हालेलुया। और मुश्किलों के समय में जब आप लोग खड़े होते हो तो मजा आ जाता, आनंद आ जाता। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और प्रभु ने देना है, मैं प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु कह रहा था मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं फुट कर रोने लगा, मैंने कहा प्रभु क्या है? हजार बार मैंने उस आयत को पढ़ा था, लेकिन जब मैंने इस आयत को पढ़ा मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैं रोने लग गया। मैंने कहा प्रभु तो बहुत बड़ी बात है, तो बड़ा खुदा। करीब करीब 8 घंटे पुलिस वालों ने सबने हमको परेशान किया, हमारी बेटियों को गलत बोले, सब कुछ हमने सहा, लेकिन प्रभु का महिमा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया। और एक तरह से मैंने भैया से बोला था कि ये मीटिंग करना मुश्किल है, प्रभु का धन्यवाद हो भैया का, उन्होंने आगे बोला नहीं, भैया ने अपने विश्वास के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल था उसे मुझे लगा शायद हम नहीं कर पाएंगे, हमारा सीसीटीवी, हमारा सब की चीज़ों का रिकॉर्डिंग और हमारे फोन्स टेप हो रहे थे, सब चीज़ें थी, लेकिन हालेलुया। 34 भजन सही था, उसका तीसरा आयत किसी को याद है क्या? चाहे गौर अंधकार की बात ही उसे तीसरी आयत याद है क्या किसी? हैं? क्या बोल रहे हो मेरे चरवाहे, मुझे किसी बात की घटी नहीं? नहीं, वो चार है, वो चार है, उसे पहले बढ़ाई करो, आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो। हाँ, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। हाँ, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आगे, मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। क्या कर ली? सुन ली। और बोले यीशु महाराज की। सो खुदा का धन्यवाद हो, एक जोरदार ताली बजाकर उस खुदा का। ये मीटिंग को करना असंभव था, लेकिन प्रभु ने संभव किया। हम बहुत लोगों के साथ करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, तभी कल से हम लोगों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु महाराज की जय। सो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, मैं प्रभु के दासों को हाथों में आगे के समय को देना चाहता हूँ। दोनों खुदा में बड़े ही बड़े लोग हैं, सर हमारे बीच में 2 बार आए हुए हैं, और सर के द्वारा मैंने अनुग्रह को सीखा था। और उस समय की जो बाइबल स्कूल के बैच थे, शायद सर के साथ किसी ने मुलाकात की, सर और मैडम हमारे बीच में आए थे, और सबका करता धरता हमारे सागर साहब हैं। मैं कल भी बोल रहा था, मैंने
जीवन में इतना नम्र व्यक्ति नहीं देखा जो किसी चीज को बोलने से पहले सॉरी बोलते हैं। सो मैं सर का धन्यवाद देता हूँ कि सर से भी इस जीवन में मुलाकात करने का मौका दिया। नम्रता हमारी तो ऐसी की तैसी कर देते हैं सर जब मिलते हैं। बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। बहुत नम्र हो तो सर से मिल लेना, फिर तुम लोग बात करना ही छोड़ दोगे। सर थैंक यू ऐसे बड़े लोग। सो दोनों खुदा के सदकादी बड़े लोग हैं और हमारे बीच में आए हैं और खुदा की ओर से है, नहीं कोई मीटिंग होता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि हम आगे के समय को उनको दें, लेकिन क्योंकि हमारे भवन में है, प्रभु के चरणों में है, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का स्वागत करें, प्रभु के दासों का स्वागत करें। सबसे पहले मैं प्रभु के दास रेवरेंड रत्न स्वामी साहब का स्वागत करना चाहता हूँ। सकल से माला पहना के प्रभु के दास का स्वागत करें। सर राजस्थान सरकार में बड़े पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, सर अपना परिचय खुद ही देंगे। और मैं अनुरोध करूंगा विक्रम भैया से, प्रभुदास का गुडविन साहब, गुडविन सर का भी परिचय खुद आप देंगे। जो शेड्यूल हमने किया है वो 10 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक। हालेलुया। दो दिन यहाँ पर रहेगा। आखिरी दिन का जो मीटिंग है वो जॉन द पार्क होटल है, वहाँ पर हमने रखा है। हालेलुया। सो जॉन द पार्क के लिए आपको रजिस्ट्रेशन गूगल में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप उसके लिए निखिल से मिल सकते हैं, निखिल आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। हालेलुया। तैयार है? Yes. हालेलुया। एक सप्ताह के सूखा के बाद प्रभु बरसात को लेकर आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सब। हालेलुया। नाश्ता वास्ता करके सो तो नहीं रहे हो? ये माइक कौन? हेलो हेलो, समबडी कैन हेल्प मी? ये हटा लीजिए, ये वाला हटा। वो सब को खाली कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ये सोच रहे होंगे कि हेलो 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 आर यू क्लियर? आवाज आ रही है बिल्कुल पीछे तक? आप तो सोच रहे होंगे कि मैं सिखाऊंगा, मेरे को तो लग रहा है आज आप लोगों से बहुत कुछ मेरे को सीखूंगा। हमें हम प्रभु के सब बच्चे हैं, मैं भी उतना ही बच्चा हूँ जितना आप लोग। ठीक है, आप लोग बहुत श्रद्धा से विवरण विवरण कह देते हैं, ऐसा हूँ नहीं। मैं इतना जानता हूँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना। आपके बाकी टाइटल कुत्ते भी हो, असली टाइटल होना चाहिए कि हम परमेश्वर के बेटे हैं। हमें और जब उसमें बने रहोगे और ये आइडेंटिटी आपको पता रहेगी, तब आपके ऊपर शैतान कार्य नहीं कर सकता। क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ? यीशु मसीह मती 3 में यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, आकाश खुल रहा है, पवित्र आत्मा आकर उसके ऊपर उतर रही है और क्या आवाज आई? पिता ये मेरा प्रिय पुत्र है,
चौथे वाले में सेतन साहब आते हैं उसके पास, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो फिक्र के लिए तो हम लोग भी इसी में फंसते हैं। हम ये सोचते हैं और यीशु मसीह भी पसंद उसने कहा लिखा है और वो जानता था मैं परमेश्वर, उसने ये सब नहीं जस्टिफिकेशन दिया कि मैं क्यों हूँ क्या हूँ ये करके दिखाऊंगा तब पुत्र बन। हम कुछ करते हैं उससे पुत्र नहीं बनते, हम पुत्र हैं इसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। आई बात समझ? कभी भी अपने हृदय में ये डाउट मत लाना कि मैं पुत्र नहीं हूं। पुत्र बनने के लिए आप कुछ करने से नहीं बन सकते, वो केवल और केवल एक चीज से होगा, वो यीशु मसीह पर उसके क्रूस पे किए गए कार्य पर विश्वास करने से बन। आई बात समझ? तो आप अभी बहुत आगे जाओगे, सेविकाएं करोगे, सब कर करोगे, अक्सर यही होगा आपके बीच में आकर शैतान आपको ये उछलाएगा किसी लोगों से क्या है, क्या तुम परमेश्वर के बेटे हो ना तो कुछ करके दिखाओ, बाइबल गीता पढ़ते हो, चर्च की तरफ जाते हो, वो सब करने से हम पुत्र नहीं बनते, केवल केवल। आपको पता जब ये पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब ये बोला था, क्या उसने कोई सेविकाई करी थी, कोई डिलीवरेंस करा था? जब कुछ नहीं करा था, तब भी परमेश्वर ने ये मेरा प्रिय पुत्र है। मैं एक और चीज जोड़ रहा, खाली पुत्र नहीं, हम परमेश्वर के प्रिय बिलवेड ऑफ गॉड है, उसको कभी आपके जहन में से हटना नहीं चाहिए। इवन अगर आपने किसी दिन कुछ गलती कर भी थी तब भी परमेश्वर आपको अपना बेटा बेटी हमने कहा हकते हैं, वो आपसे नाराज नहीं है। मानते हो ये? परमेश्वर नाराज नहीं आज मानते हो? है किसी को डाउट? हाँ, यहाँ पे एक मैंने चेहरा देखा जो हाँ बेटा बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं? मैंने ऐसे मत मान लेना कि हाँ अंकल बोल रहे हैं, प्रीचर हैं, टीचर हैं तो मान, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य में जब वो लोग सीखते थे तो घर जाकर बोल बोल के पढ़ते थे, ये मत सोच लेना कि आज अंकल ने बता दिया तो सब कुछ सही है। हैं? क्यों इस चीज को देखिए। तो अब मैं बेसिकली वचन की सही सेविकाई शुरू कर रहा हूँ, तो उसको मैं पहले प्रार्थना से शुरू करना चाहता हूँ। लॉर्ड आई ब्लेस, खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आज तू इस जगह मुझे खड़ा करता है, और ये तेरा अनुग्रह है खुदावन जो हमें यहाँ लेकर आया, और तेरा अनुग्रह काफी है। मैं विश्वास करता हूँ सर, ये बच्चे जो खुदावन आज मेरे ध्वनि के सामने बैठे हैं खुदावन, इनके बीच में कम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करेगी ताकि यही नहीं सीखे खुदावन तू मुझे भी सिखाएगा खुदावन, ताकि ये अच्छी तरह सीख सके। धन्यवाद देता हूँ खुदावन तेरी वचन की सेविकाई के लिए, तूने चुना है खुदावन और तूने हमें अभिषेकित करा है खुदावन, और आज तेरा वचन जैसे कहता है तूने हमें चुना है और तुझे अभिषेकित करा है, आज तुझसे पिता परमेश्वर मैं मांगता हूँ कि इन बच्चों के बीच में खुदावन तू अपने जीवन वाले वचन को, बीज जो कभी नाश नहीं हो सकता खुदावन, उसे जब हम बोते हैं खुदावन उसे ये विश्वास से ग्रहण कर सकते, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। एक चीज मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ बताते रहूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब चर्चों में और उसमें ना कई बार बहुत जोश में आ जाते हैं, शैतान को वालते हैं, फलाना करते हैं, निकालते हैं, दस करते हैं ना, तो फिर जोश में निकल जाएगा। शैतान को निकालने की जरूरत भी नहीं आती, जब यीशु मसीह खाना खा रहा था उसी के सामने शैतान आया और जूडस के अंदर, तो जब यीशु के सामने आकर वो रह रहा है तो आपके सामने भी रहेगा वो। हमको ये नहीं देखना है कि शैतान बड़ा है, हमको ये जानना है कि हमारा परमेश्वर उसके सामने है। आपको ये नहीं जानना है कि शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके आसपास रहेंगे, स्पिरिचुअल रियल में सब जगह रहेंगे, ये मैंने बताया ना, यीशु मसीह के सामने वो गुजरा। तो इसके लिए ज्यादा परेशान मत होना कि एक आधा कोई बैठा है तो, और वैसे भी मैं बता दूं आप अगर जब ये ऐसी प्रार्थना करते ना तो हमें कोई ना कोई टेंशन में है, कोई ना कोई बीमार है,
वही ना, कुछ ना कुछ वो है तो वही स्पिरिचुअल रियलिटी तो है, तो खाली हो जाएगा आपका चर्च क्योंकि सब तो बाहर जाना पड़ेगा। बात शैतान को हमको ऊंचा नहीं उठाना या वो क्या कर रहा है उसको इस बारे में ज्यादा विचार नहीं करना, हमको ये देखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। आमीन। तो ये इसके लिए बताऊं बेटा, ये देख रहे हो ना सेविकाई करते सर 20 साल हो गए, शुरुआत ऐसी करता था मैं भी, बांधते फलाना करते सर। तो मैंने कहा मैं सवेरे शाम तो ये बांधने में अटका रहता हूँ, जबकि परमेश्वर ने तो मेरे को आज़ाद किया है ना, जहाँ यीशु की आत्मा है वहाँ क्या लिख रखा है, आज़ादी है। दूसरा ग्रंथ 3:16-17, तो आज मैं जब जाऊंगा, जब मैं वचन बता रहा हूँ कंडेम मत हो, क्योंकि हम सीखते हैं सिखाते हो सकता है कहीं कहीं के क्षेत्रों में हम सही चीज नहीं जानते, और मैं जब आपको करेक्ट करने चाहूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहूँ, क्यों आपका जो विश्वास होना चाहिए वो हमेशा वचन आधारित होना चाहिए, किसी का सोच किसी ने बोला पे आधारित कभी नहीं रखना। जो बोल रहा है तो वो भी वचन के अनुसार बोल रहा है, तब आपका सही विश्वास है। हमें तो डोंट टेक दैट मैंने किसी को कंडेम कर दिया, हमने तो ये सीखा हुआ था और ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो कि अंकल अगर वचन से सिखा रहे हैं और जो वचन बता रहा है वो हमारी सोच है कि नहीं। हमें तैयार है इसके लिए? तो जब ऐसे रहेंगे आप तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, मत दृढ़ ऐसे बन जाएंगे कि नहीं मैंने तो सीखा हुआ है, मैंने तो बहुत पढ़ा हुआ है, बाइबल में ही लिख रखा है गैलेशियंस में, इफ यू थिंक दैट यू नो एवरीथिंग यू विल बी डिसीव। अगर आप सोचते हैं आप सब कुछ जानते हैं, बड़े आराम से शैतान आपको बेवकूफ बना सकते हैं। नम्रता ये है कि हम सीखने वाले। दूसरी चीज मैं चाहूँगा, सबके पास आपकी बाइबल है? yes. दिखा दो भी? वैसे अंकल के पास बाइबल नहीं पर है, ये क्या करता हूँ ये वाली बाइबल यूज करता हूँ। सबके पास कागज पेंसिल है? yes. क्योंकि आज जो मैं वचन को बताएंगा तो उनको जरूर नोट करें, जो मैं जब भी शुरू में मैं भी जाता था बैठता था सीखता था, और अभी जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अंकल को पता नहीं क्या विषय का ऐसे बड़बड़ फटाफट वचन वचन बताते हैं। तो कभी आप मेरे घर आओगे जब देखोगे मैंने खूब डायरियाँ खूब कॉपियाँ भरी हुई हैं, ताकि भैया और हम लोग सीख देते। आज जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीख चुका हूँ और विश्वास ये करता हूँ। इवन कई लोग आते हैं अंकल आप इतना आसानी से वचन कैसे बता, आपको सही बताता हूँ कई बार बाइबल खोलने के लिए आज भी मेरे को इंडेक्स खोलना पड़ता है कि कहाँ पे हो। मैं आत्मा से और मैं पूर्णतः वचन पे विश्वास करने लगा। चलिए मेरे साथ मेरे को एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो एक जन हो जो अच्छा बुलंद आवाज में पढ़ता हो, वचन में जो बोलूँ खोल के जोर से पढ़े, ठीक है? खोलिए योहन्ना 14:25 से आगे पढ़ना शुरू। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या लिख रखा है? कुछ बातें सिखाएगा, सब बातें। और सब बातें खाली बाइबल ही नहीं, यहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ आप रोड पे चल रहे हैं तो कैसे चलना है, सब बातें। यहाँ तक भी आप रॉकेट साइंस भी सीख सकते हो, और आगे सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, कहाँ है वो कहा हुआ चीज? ये जो आपके हाथ में पुस्तक है। अब सारी बाइबल तो याद नहीं रख सकते कहाँ है क्या है, मगर ये है मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, ही हेल्प्स यू टू डू एंड टीचेस यू एज वेल एज टू ब्रिंग इट इन टू रिमेम्बरेंस। वो ये जब आप इस वचन पे पूर्णतः विश्वास करोगे तो ऐसा ही। आपको सही बात बताऊं, आज यहाँ पे मैं बाइबल 3 घंटे का और सेशन लेना मेरे को, मैंने तो सोचा था 1 घंटे में निपट जाऊंगा, तो 3 घंटे के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए टाइम? क्या भैया
बारह है। मैं तीन दिन से बाइबल भी नहीं पढ़ी क्योंकि घर में मेरे बच्चे आए हुए थे, उसका एनिवर्सरी था, फिर कल एलन भैया आ गए, सुबह 10 बजे से उनको मिलाता रहा हूँ, रात को 12:30 बजे हम सोए हैं, और सॉरी कल नहीं, मैंने एक दिन पहले, और कल सुबह 10 बजे से चल के शाम को 5 बजे यहाँ पहुँचे, और ये सारे जो हमारे जानकारी, ये नहीं छोड़ा नहीं बैठो आप बताओ फलाना कर, मैंने हमको बाइबल पढ़ने ही नहीं दिया तब भी मैं क्यों विश्वास करता हूँ बस, क्योंकि सेविका ही चीज बहुत बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, समझ लेना इसको, सेविका ही आपका करना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम यूज नहीं करते, सेविका ही का काम परमेश्वर का, अभी तो वो बोला मैं आया ताकि तुम्हारी सेवा कर सकूं, यीशु मसीह ने बोला ना, तो ये फंडा समझ जाओगे ना, हम लोग क्या हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी सेविकाओं में उलझ जाते हैं, मिनिस्ट्री करेंगे, फलाना करेंगे, चलाएंगे, सब कुछ गलत नहीं है, सब ये भी नहीं कह रहा हूँ गलत है, फिर अपने बल से अपनी सामर्थ्य से सब जोड़ लगाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद थकने लगते हैं, फिर थोड़े दिन बाद कोई RSS वाला आ जाता है ये आ जाता है, कहते हैं प्रभु मैं तो करना चाहता हूँ क्यों नहीं हो रहा, तो जैसे ही आपने बोला ना मैं तो करना चाहता हूँ, वो है सबसे बढ़िया, परमेश्वर का काम करने के लिए मसीह की आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, वास्तव में मसीह आपके अंदर जीवित होना चाहिए, तब जाकर मिनिस्ट्री कर पाओगे, और इस चीज को पौलुस ने समझा, कोई खोले गलतियों 2:20 आरा आनंद, और मैं एक जन जो नोट्स कर रहा है वर्सेस, वो आखिरी में मैं पूछूंगा आज कितने वर्सेस आपने नोट करे, वो ध्यान रखें, तो किसको जिम्मेदारी बनाऊंगी, तो मैं बाद में जब सेशन खत्म होगा तो बताएगा कि आज इतने अंकल आपने वर्सेस बताए, कौन आप करेंगे, तो ध्यान रखना सारे नोट करना, ऐसा नहीं है मेरा शेयर गायब कर दो, बी इट इज परमेश्वर बहुत आराम, और अभी तक मैंने आपको वो उत्तर नहीं दिया नाराजगी वाला, वो अभी बताने वाला, ठीक पढ़े, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं सही आप लोग पेश कर रहे हैं, मेरी जो आवाज आ रही है स्पीकर भी कर रहा हूं अंदर से, तो तेज मिस कर या कोई दूसरा दे दे पावरफुल वाला, मैं तो पावरफुल टीचर हूं और आपका माइक पावरफुल नहीं है, हैप्पी माइक, ये बॉडलेस वाला नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ऑफ हो गया हो, वैसे यार मेरी आवाज वैसे भी ठीक नहीं सुन, हेलो हाँ अब आया, गुड 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 गॉड इज गुड, हाँ पढ़े बेटा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, धीरे धीरे पढ़ना मेरे साथ, ये पौलुस बोल रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो पौलुस कहीं आसपास भी था क्या, वहां नहीं था, तो पौलुस झूठ क्यों बोल रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, तीन चौथाई थी बाइबल तेरे से लिखवाई प्रभु, और तू यहीं पे झूठ बोल रहा है, जब अपन रीजनिंग कर रहे हैं तो वो था ही नहीं वहां पे, वो कैसे क्रूस पर चढ़ाया जा सकता, मन वास्तव में सही, क्योंकि जो क्रूस का कार्य है वो परमेश्वर है जो क्रूस पे चढ़ रहा है, और यीशु मसीह और परमेश्वर पिता समय की सीमा में नहीं है, क्योंकि वो समय को बनाने वाले हैं, उस समय के पार हैं, इसके लिए जब ये कार्य हो रहा है क्रूस के साथ चढ़ाया गया, वो समय में नहीं, समय से बाहर हुआ है, मगर हम सब जो समय में सीमित है हम उस समय उधर क्रूस पे चढ़ा, तो यहां जब पौलुस ये बता रहा है कि मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, तो उसके साथ आप और हम सब चढ़ा दिए, पैदा भी नहीं हुए तब भी चढ़ा दिए, अब समझ में, खाली पौलुस ही नहीं चढ़ाया गया है, हम सब जो आज प्रभु में बैठे हुए हम सब चढ़ा दो, सब माने यहां तक कि जो अभी आया भी नहीं है प्रभु में वो चढ़ा दिया गया है, ये है वास्तविकता, आगे क्या लिखा, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, प्रभु
भलू तू ही तो बोल रहा है, फिर कहता मैं जीवित नहीं। कहां पे? He has himself died. वास्तव में पता है आपका जब उद्धार हो जाता तो आप जीवित नहीं बचते, यीशु जीवित हो जाता है। आप कहां? आत्मा, इसको बोलते हैं नया जन्म। आपकी आत्मा, आपकी आत्मा, जैसे मैं अगर हूं रत्ना स्वामी और मेरी जो आत्मा है, और जब मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया और नया जन्म हो गया, तो कहीं दिखती नहीं है आपके। क्या बोलता है भाई वचन, क्या बोलता है पहला कुरिन्थियों 6:17 में, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। तो अब अंदर आत्मा कैसी दिखती है? रत्ना स्वामी जी नहीं दिखते। पिता परमेश्वर को अंदर कौन दिखता है? यीशु मसीह। और जब हमारे आत्मा में यीशु मसीह दिखता है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता के लिए ग्रहण योग्य हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं हमने आज यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बड़े अच्छे हो गए, इसके लिए हम ग्रहण हो गए। इम्पॉसिबल। आप कितना भी कुछ कर ले, बहुत कुछ कर ले, तब भी नहीं हो सकता। कारण आत्मा में ग्रहण योग होने के लिए जब हम नया जन्म पाते तो हमारी आत्मा कैसी हो जाती है? अभी तो योना में लिखा था 1:4 में, जैसा वो है हम भी। समझते ये है आत्मा में कैसे हो गए हम? आइडेंटिकल लाइक जीसस क्राइस्ट। कैसे हो गए? यीशु के समान। और इसके लिए पिता परमेश्वर हमको ग्रहण करते हैं। आधे से ज्यादा मसीह लोग ये सोचते हैं, अरे मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया और मैं बहुत अच्छा हो गया और बहुत बाइबल पढ़ने लग गया और ये करने लग गया, दुष्ट आत्माएं निकाल ले, इसके लिए ग्रहण योग्य नहीं। मैंने बताया ना, यीशु मसीह ने भी कुछ भी नहीं करा, तब भी क्या बोला पिता ने? यू आर माय बिलव्ड। ये आत्मिक सच्चाइयां हैं, इसको जब समझ जाओगे ना तो स्थिरता आ जाएगी। फिर आगे पढ़ना क्या लिखा है? अब बोलता है वो, अब ये आत्मा की बात नहीं कर रहा, बोल रहा है मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। किससे जीवित हूँ? कि बहुत अच्छी प्रार्थना कर देता हूँ, बहुत अच्छी बाइबल कर लेता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल मत पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो सब चीज पढ़ा रहा हूँ बाइबल से ही पढ़ा रहा हूँ, तो बाइबल में कोई गलती नहीं है। बाइबल जानना चाहिए, वही सीख पाओगे कि क्या है आत्मिक जीवन। हाँ, वापिस एक बार रिपीट कर दे। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। किसी के पास इंग्लिश की बाइबल भी है? है किसी के पास? यस। खोल ले, यही वर्स खोल ले, और किंग जेम्स वर्जन हो तो बहुत अच्छे। ओ भाई, बीएसआई वाली है ना? बट बीएसआई वाली दोनों है, इंग्लिश है। कोई बात नहीं, पढ़ो 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 गैलेशियंस 2:20। मैं इसके लिए इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीजें इंग्लिश में बहुत। हाँ पढ़िए। आई हैव बीन crucified with Christ. With Christ. It is not I who liveth. Yes. But Christ liveth in me. Right? And then he says, and the life which now I now live in the flesh, I like live by the faith. Mere vishwas, by the faith of Son of God. हम लोग तो कई लोग अभी भी अपने विश्वास से जी रहे। आपके विश्वास से बाइबल के जीवन जी नहीं सकते। Impossible है। You need the faith of the Son of God. New Testament में आकर पुराने नियम के वाले सार जो विश्वासी माने जो भी विश्वासी थे जिसका पूरा वर्णन कहाँ मिलता है? बाइबल में। इब्रानियों की 11 वो सबका विश्वास लिखा है, उसी को खोलिए, इब्रानियों 11। ऊपर का तो आप सब लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बाइबल कॉलेज में रहे हैं, सब जान भी रहोगे, पढ़ भी रहे होंगे। अब आ जाइए उसमें
39th वर्ष तो पढ़े कोई विश्वास ही के द्वारा इन सब के मैंने जो ऊपर सारे वर्णन है अब्राहम है मूसा है सारा है सब लोग का वर्णन है तो ये लिखता है विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में क्या लिखा गया अच्छी गवाही दी गई ये लोग सब अपने विश्वास से विश्वास कर रहे थे पर इनकी गवाही भी अच्छी बताई गई और आगे क्या लिख दिया पढ़ो तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली क्या लिख दिया तो भी तो ऑल ड्यू रिगार्ड्स हम लोग अभी भी मूसा जैसा विश्वास होना चाहिए अब्राहम जैसा विश्वास होना चाहिए था यहाँ बड़ा अजीब ही करता तो उनको प्रतिज्ञा की वस्तु तो मिली नहीं आज देखना आपके बहुत धक्कन खुल जाएंगे आमीन फिर आगे पढ़िए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से किसके लिए उनके लिए किनके लिए किनके लिए आमीन आगे पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे हम सोचते वो बहुत सिद्ध वचन बता रहा है कि आपके आप ज्यादा सिद्ध गलत बोल रहे हो क्या या और कोई बाइबल पढ़ रहा हूँ अपनी आपकी बाइबल में ये लिखा हुआ है ना क्यों भाई ऐसा क्यों अब अगले चैप्टर में चलिए पढ़िए इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बात है ये फिर वो आपके किसका रेफरेंस है जो वो पुराने लोग जो है जो गवाह थे यीशु मसीह के और परमेश्वर के गवाह रहे वो अब्राहम का इसहाक का परमेश्वर जानने वाले ये सब हमें गवाह थे उसके फिर क्या लिख देता है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बात हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े यहाँ पे जो इस शब्द लिखा हुआ है उलझाने वाले पाप को दूर कर ये कौन सा पाप है असल में क्या समझते हो आज आपको बहुत सही पकड़ में आ गए जैसा अभी तक तो यहाँ से सुना लेते थे आप लोग नोट डाउन करके चले जाते थे ये क्या है इसका कौन सा पाप है ऐसा नहीं कहता क्या उलझाने वाले पापों को दूर कर नहीं खाली कोई एक पाप है जिसको दूर कर क्या सोचते हो कौन सा पाप आनंद आ रहा है पढ़ाऊ आगे बताओ सोच के बताओ जैसा कौन सा पाप है जिसको दूर करना है बोलो बोलो सोच थोड़े दिमागी घोड़े आपका अभी तक का वचन का अध्ययन है कंफ्यूजन नहीं आपको ध्यान है इजरायली लोग वाचावली स्थान में क्यों नहीं लिखता ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ है उनके अविश्वास के बारे अविश्वास को हमको सही तरीके से वचन से डील करके हटाना पड़ेगा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता था चमत्कार चीज सही है पता नहीं क्या लिखता जब अपने घर में गया था वहाँ कोई बड़े बड़े काम नहीं कर पाया अरे यीशु मसीह तो सारा आवर और पावरफुल और क्या लिखा क्योंकि उनके अंधविश्वास दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आज आप दुआ करते करते कुछ नहीं होता है कहीं ना कहीं आप अविश्वास हो परमेश्वर का वचन में कोई गलती नहीं है सामर्थ्य में कोई गलती नहीं आपको ध्यान है वो चेले
पहले लिख रखा है कि उसको उनको सामर्थ्य दिया, उनको भेजा कि दुष्ट आत्मा निकल, और आए बड़े खुश होकर, प्रभु तेरे नाम से तो हमने दुष्ट आत्माएं निकाल दी फलाना। तो फिर एक फंस गया उनको लोग, वो एक बाप है उसका बेटा है वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है और लगे हुए निकाल। उसमें भी यीशु मसीह ने बाद में क्या किया, तुम्हारे अविश्वास के कारण। बाइबल में विश्वास और अविश्वास ही तो है असली चीज डील करने, क्या आप विश्वास में हैं, और आप विश्वास में होकर भी अविश्वास आ सकता है, ये नहीं मानते आप विश्वासी और विश्वास है आपके अंदर तब भी अविश्वास आ सकता है, और अविश्वास आत्मा में नहीं आता है नए जन्म का, वो कहाँ आता है, प्राण और शरीर। उन चेलों ने जब देखा और झाग निकल रहा प्राण हो गए अब तो नहीं, पर हम मैंने भी बहुत शुरू में दुष्ट आत्माओं में अटक जाते, फिर चिल्लाते रहते थे फलाने, तो एक दिन मैंने समझा, मैंने कहा ये सारी चीज़ें मुझे लेना देना नहीं, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाते। कई लोग उनको चिल्लाते निकल बाहर, यीशु का नाम काफी है, पर वो नाम कब कार्यशील होता है, प्रेरितों में लिखा है सेवा के पुत्र जो है दुष्ट आत्मा निकाल देगा, दुष्ट आत्मा बोला यीशु को हम जानते हैं, रूस को हम जानते हैं, ये पूछा मेरे प्रभु ये दुष्टाचुर पौलुस को कैसे जान गई, आपको तो समझते हैं वो तो लिख रखा है जेम्स 2:19 में, अगर तुम विश्वास करते हो एक प्रभु है बहुत अच्छा है, दुष्ट आत्मा भी जानती बल्कि वो तो थरथराती है उसके, ऐसा क्या हो गया कि पौलुस को जानने लगे, जो कि हमने पढ़ा गलत, क्योंकि अब मैं जीवित हूँ। आपको पता है आत्मिक जगत सब जानता है आपके अंदर क्या है, मैं उससे सेवा के पुत्र गए तो यही यीशु के नाम से निकाला, तो कोशिश निकाल पहले निकलता वो निकल के भागे, तो नाम का असर कब आता है, खाली नाम ले लेने से नहीं आता, जब रिलेशनशिप हुआ संबंध हुआ तब आता। मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं क्या था, अभी मैं ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर हूँ, IFS ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का, 2019 में राजस्थान का PCC ऑफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, हेड ऑफ फॉरेस्ट को जो टॉप मोस्ट जो CS फॉरेस्ट में PC ने बहुत पुलिस का IG वो है सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट का ऑलिटर इंडस्ट्री। अब मेरे कमरे में अगर उस जमाने में कभी आप आते तो आप अंदर घुस ही नहीं सकते, तो मुच्छल वाला एक बढ़िया सा गार्ड बाहर करता था, वो हाथ ही नहीं धरने देगा आपको उसके हैंडल को, कोई नहीं आ सकता। पर मेरे जब दोनों बेटे आते थे हैंडल वैंडल खोल खाल के दरवाजा खोल के खड़ा हो जाता, क्यों, रिश्ता है जानते हैं। तो जब तक आप यीशु मसीह को आप जान जाए और यीशु मसीह आपको जान जाए तब तक आत्मिक जगत में सब जानते हैं कि आप क्या हैं। आगे बात समझ में, तो इसी के लिए बोला हमारे बल से नहीं हमारी साधना से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा। अब क्या हो गया है क्रिश्चियनिटी में, क्या बाकी सब चीजों में बाइबल उठाकर 10 नियम भी रट लेंगे, बाइबल के आयतें कोट देंगे कर देंगे, 23 बोल देंगे सब कर लेंगे, बस रिश्ता ही नहीं। और मैं था एक जमाने तो वैसे ही बता दू बिना यीशु मसीह के भी बहुत अच्छा था, मैं ना तो कभी सिगरेट पीता था ना दारू पीता था ना पढ़ाई में अव्वल रहा हूँ, डबल प्रमोशन लिया है मैंने स्कूलिंग में, सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ ग्रेजुएशन में, फर्स्ट सेकंड पोजीशन होल्डर हूँ MSc राजस्थान का, और उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस दिया तो ऑल इंडिया सर्विस में 12th पोजीशन होल्डर हूँ मैं इंडियन में, इंडियन फर्स्ट सर्विस, तो क्या कमी थी, डबल आदमी। पर एक दिन एक भाईजान सभी भैया आए थे, वो मेरे को जानते हुए व्यक्ति डायरेक्टर इंडिया से, मेरे को बारे में बहुत सारे रिश्तेदार में उनकी वाइफ मेरी वाइफ कजन सिस्टर्स की
उन्होंने कहा मैं पूछा भूत चार्ल्स बोले बड़े भूल चार्ल्स बहुत अच्छे तो क्या तुम यीशु मसीह जैसे हो कम मेरी आप मैं तो सोचता हूँ यार ऑल इंडिया सर्विस टॉप क्रीम ऑफ द नेशन अभी भी मेरे को मैंने कुछ जानना है तब समझ में आया मैं बहुत अच्छा पापी नरक जा रहा समझ रहे आप मेरी बात को मैंने बहुत अच्छा काम है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरी काम कर रहा था इवन सरकारी नौकरी में नारकर नार तो घुस गए है हमारे पास सारे विटनेस है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं तब भी क्या था जाना तो वही था जाने वाला तो आप कुछ दो चार अच्छे काम कर लेते हो बहुत अच्छी बाइबल पढ़ लेते हो उससे नहीं जाने वाले और यहाँ तक मैं तो आजकल इतनी सेविका ही करता हूँ कुछ आत्माएं निकाल देता हूँ सब भी तब भी मैं वहां जाकर खड़ा नहीं हो सकता उसके साथ पर वहां क्यों खड़ा हो सकता क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास हमें तो कभी भी दिमाग में ये मत आया ना कि मैं इतनी बढ़िया इतनी बड़ी मिनिस्ट्री करता हूँ 200 जन को दुख की दिलवा दी अपना ना उसके कारण आप नहीं जा सकते भैया ये भी बता दो बता रहा हूँ मैं इतनी सेविका ही करता हूँ मेरा कारण वहां जाने का क्यों आई एम द बिलवेड ऑफ और मैं बिलवेड क्यों क्योंकि ये सब करता हूँ उससे बिलवेड नहीं बिलवेड हूँ कि आई बिलीव ऑन द बिलवेड सन ऑफ गॉड दैट आई तो ये हमेशा ध्यान में रखना आगे चल के आप बहुत सेविकाएं हैं ये सब करो वो आपके करने से आप महान नहीं क्योंकि परमेश्वर अच्छा है इसके लिए आप बच गए आपकी अच्छाई के कारण कभी नहीं बच सकते आई बात समझ आता है स्पिरिचुअल प्राइड बहुत लोगों में आता है बहन के तौर पर यार दान आ जाएंगे हाथ रखूंगा दुष्टात्मा निकल जाएंगे सब नहीं मिला मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही मैंने कुछ नहीं मिला तब मेरे को समझ में आया ये दान जो है वो मेरे लिए थोड़ी है ये तो कलीसिया के लिए और परमेश्वर क्योंकि मेरे अंदर से काम करना चाहता है इसके लिए वो दान से भर रहा है खाली एक दान जो हमारी उन्नति के लिए वो आपका अन्य भाषा करता है ये समझ लेना मैंने आप ये मत समझ लेना कि आपने हाथ रखी या लोग चंगे हो गए पहला बार एक के चींटी भी चंगे नहीं हो सकते पढ़ के देखें पढ़ते हैं मत कुछ में जो कहा ग्रेट कमीशन आप लोगों को जो सिखाया जाता है क्या है मत कुछ 16 का 14 से शुरू आराम में जा पढ़े आगे आमीन आमीन थैंक यू जीसस थैंक यू कर लूंगा 3 घंटे सिखा लूंगा हाँ वैसे आप लोग अगर परेशान हो रहे तो बोल देना हाथ पकड़े नहीं अंतर बंद करो अपनी इसलिए बाकी मैं तो आपको बता दूं शुरू में 2 बजे तक कर सकता हूँ आप में से 2-4 गिर भी जाए तो उनको उठा खड़ा कर चलिए बेटा ऐसे नहीं थोड़ा कितने धीरे ने एक यही से कारण बता रहा हूँ मैं क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग चाहता हूँ कोई आगे वाले पढ़े तो इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा वैसे भी आप जो भी पढ़ रही थी आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी हाँ बोलिए पीछे वह हाँ उन ग्यारहों को भी जब वे भोजन करने चुने कितने थे उसमें चेले एक ने कर दिया एक चेले जी तो आगे 12 जन को मिला 11 जन को मिला अब आप सोच रहे ये 11 वाले तो बहुत अच्छे हैं विश्वासी हैं है आगे देखते हैं यीशु मसीह क्या बोलता है पीछे वह हाँ उन 11ों को भी हाँ जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया हाँ और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर क्या चीज अविश्वास मन की कठोरता थे उलाहना दिया क्या उलाहना समझते हैं उलाना समझ तो क्या है डट्टी लगाई डांटता नहीं है वो भी सत्य है पूरा डांट इसके लिए लगाई कि प्यार करता है और किस पे 3.5 साल तक 24 घंटे उसके साथ रहते और क्या थे अविश्वास है हम सोचते हैं बस 2 दिन बाइबल पढ़ लेंगे और विश्वास में चल लेंगे नहीं चल सकते भाई जब तक मसीह के साथ संपूर्ण रीति से 24 घंटे तक संगति नहीं करोगे ना
कहीं भी नहीं चल पाओगे, वो भी फिर उसका विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया, बारह हमने पढ़ा नहीं है, हाँ चलेंगे मैं आप क्या लिखा है, डांट लगेंगे। अब आगे पढ़ो फटाफट जल्दी जल्दी। क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। क्या करा, जी उठने के बाद उसे देख लिया भी, जबकि बार बार बोलता था कि मैं मरूंगा जी उठूंगा, तब ये भूल गए थे कि वो यीशु मसीह है। तो प्रतीति प्रतीति मैंने विश्वास किया। अब क्या बोला आगे, और उसने उनसे कहा, अब उनसे कह रहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हम क्या था, सबके लिए ही ग्रेट कमीशन, आधे से ज्यादा हमारा मसीह समाज क्या, हम उद्धार पा गए, हो गया काम, पहुंच जाएंगे आराम से सोने के, क्या है बहुत अच्छी अच्छी चीज है, सोने के रोड होंगे, ये सोचे सब पहुंच जाए। तो कह रहा हूँ ऐसे लोग नहीं पहुंच पाए जो ये सोच के बैठे हैं कि LIC हो गया, बेहतर है LIC ले लो, शायद यहाँ पे आप सोने का घर बना लो। लाइफ इन क्राइस्ट है LIC, इन क्राइस्ट मैं वो वाली LIC की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग गलत सोच रहे हो, मैं इंडिया वाली LIC नहीं बोल रहा, लाइफ इन क्राइस्ट कंपनी के बारे में, लाइफ इन क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ। तो क्या है वो पढ़ना, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बढ़िया। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये क्यों दोषी ठहरा दोगे यार, तुम क्यों दोषी ठहरा दोगे, आपको पता है दोष का कारण क्या है भाई, परमेश्वर दंड या दोषी लगा रहा है, उसका कारण क्या है। मैंने कहा ना, मैं जब बाइबल पढ़ाने लगती हूँ ना तो इधर उधर से हॉप ऑफ कर लूँगा, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये ऐसे सत्य हैं जो जान ले क्या है हमारे ऊपर दोष है या दंड देना का है। किताबें खोली जाएंगी और फलाना और सारे पाप गिनाए जाएंगे, ये मानते हैं आगे चलते, ये मानते हैं दंड का कारण क्या है कि हमने क्या क्या पाप, ये मानते हैं, सही मानते हैं विश्वास। आगे पढ़ने के पहले एक जगह पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़े योना 3:16 सबको पता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आगे पढ़ाए क्या उसके 3:16 पे ही रुके 3:17 खोल के पढ़े, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हम आधे से ज्यादा अभी तक यही सुना, परमेश्वर को दंड देने के लिए चुना हुआ है, वो उसने यीशु मसीह को इसी के लिए तो भेजा ताकि आपके पास दंड ना हो। फिर क्या लिखा आगे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये नहीं समझते हम तो उद्धार इसके लिए मिलेगा कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, कॉयर में सिंग करते हैं, बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, सबसे मैंने बताया ना उससे नहीं हो सकता, उद्धार होना है तो होगा खाली यीशु मसीह। आगे क्या लिख रखा, जो उस पर विश्वास करता है, जो ये सारी मिनिस्ट्री करता है, जो सब कुछ करता है, हाँ जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। का प्रभु ये क्या बात कर दी यार, मेरे बेचारे सारे जो कर रहे थे उनके पर तो असली बात दंड की आज्ञा क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु वही है कारण दंड से बचने का। फिर आगे क्या लिखे, आगे पढ़, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका ठहराया जाएगा। अभी तक तो हम लोग सोच रहे हैं
माइक थ्रोन जजमेंट को गा और दोस्त आ जाएगा। आपने अगर विश्वास नहीं किया तो आपको तो दंड की आज्ञा प्रोक्लेमेशन हो चुका है और वो आपके कारण भी नहीं हुआ, वो आपके प्रिय आदम साहब के कारण। पापी चल उसको छोड़ो, पापी मत कुछ नहीं सकता। आगे बात समझ, दंड का कारण क्या है? क्या हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करा या नहीं करा? आपको ये भी बता दो, इधर एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, लोग नरक अपने पापों के कारण नहीं जा रहे हैं। आपको भी चलो लाइसेंस दे दिया अंकल, खूब पाप कर, नरक इसके लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर ने पापों की माफी उपलब्ध करा दी है मगर नहीं ले रहे। आई बात समझ, न्याय का कारण ये है, नरक जाने का कारण ये नहीं कि हम इतने पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो पाप किए और उसके लिए जो माफी दे चुका है यीशु मसीह के द्वारा, उसको नहीं ले रहे, इसके लिए नरक जा रहे हैं। ये है उसका मतलब, जिसने विश्वास नहीं किया वो तो उस पर दंड। ये बात स्पिरिचुअल रेम में दंड का कारण आप नहीं है, दो आदमों के कारण ही निर्भर करता। पहले आदम ने आपको पापी बना दिया, दूसरे आदम आपको धर्मी बना सकते, और आप नहीं ले रहे हो इसके लिए पहले आदम ने जो कर रखा है इसके कारण जा रहे। आएगा आगे से हो सकता। चलिए मत कुछ सोचिए, मत कुछ 16 में जहाँ पढ़ रहे पढ़ना, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे जी कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वो रत्न स्वामी के नाम से निकाले या अपने नाम से निकाले? आधे से ज्यादा आज के जाता है अपने नामों से, वही करा सेवा तो असली नाम को तो जानते ही नहीं थे, रिलेशनशिप है नहीं, और सोचते बस यीशु का नाम ले लेंगे से निकल जाए। आगे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अब आपको ऐसी कलीसियाएं मिल जाएंगी वो कहेंगे ग्रेट कमीशन करना है, पर जब बात आती है अन्य भाषा बात करने की नहीं है। यीशु मसीह ने बोला कि जो विश्वासी लोग ये सारी चीजें हैं उनको होना चाहिए, पर हम अपने दिमाग से लगा देते हैं। निकल कर ना मुझे अन्य भाषा बोलेंगे, पर अभी भी बहुत कलीसियाएं जो मानती नहीं, यहाँ तक बोल देती शैतान की ओर से, शैतान की ओर से होते ना, तो वो ऐसा लगता है आप चले जाओ शाम को कोई बार बार मैं वैसी बोलते रहते हैं वहाँ पे, वो अन्य भाषा नहीं है, वो नशे का। और यहाँ तक जब अन्य भाषा की जब बात आई तो उन लोगों ने यही सोचा ये लोग तो पी लिया गया इन्होंने दिन में है ना, आपको एक्स में जितने उसने वो वर्णन है वहाँ पर यही बोला उन लोगों ने, ये तो लगता है इन लोगों ने दर वरू पी ले इसके लिए ऐसी भाषा की। आगे बोलते और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, हाँ। तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी जी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। तो क्या लिखा था? हम बीमारों पर हाथ रखेंगे विश्वासी और वो और वे चंगे हो जाएंगे। तो आप मेरे को खंडन करते नहीं, अंकल यहाँ लिख रखा है ना, ये तो हम चीज सबको कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हो प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ये कौन है यीशु जो देह में है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो बन गया, वो उठाया गया और वहां जाकर बैठ गया। अब क्या आगे लिखा है? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। क्या कौन काम करता रहता? हम करते रहे उसके गए, क्योंकि मैं प्रभु मुझ में है, मैं हाथ रखूंगा तो निकलना पड़ेगा। अभी दिमाग में मत ले आना कि मैं बहुत बड़ा पास्टर बन गया हूँ, कला हो गया। आप कितना राइट लेफ्ट सारे रेवरेंड लगा लेना तब भी नहीं निकलेगा। आपकी डिग्रियों से उससे नहीं निकलना, यीशु मसीह के कारण निकलती है। यीशु मसीह के कारण चंगाई आती है, पर हम क्या है यीशु के बारे में नहीं बता पा रहे। हम सोचते हैं हम हाथ रख देंगे चंगा कर देंगे, फिर वो आ जाता है चार दिन बाद, अरे पास्टर साहब वापिस प्रॉब्लम।
फिर अगले चौबीस हो जाते। वो तो ये रहा है क्योंकि यीशु मसीह आपके, मगर आपने अभी भी उसको ये नहीं बताया कि चंगाई मैं देने वाला नहीं हूँ। मेरे को मेरी मिनिस्ट्री में ये चीज़ बंद करी। शुरू शुरू में मेरे को भी बहुत मजा आता था, मिनिस्ट्री करते थे, हाथ देते सब, और हम हाथ रखते थे, चंगे हो जाते थे, सब बड़ा अच्छा। वो सारी फोन खुली कोविड में फोन आया मेरे पास, कल प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा यार तुमको इतनी चीजें बता दी मैंने यीशु मसीह, मैंने कहा डोंट रन टू द फोन, रन टू द थ्रोन, यीशु के पास जाओ। आप, मैं कह रहा हूँ थक जाओगे अगर आप अपने पास बुलाते रहोगे लोगों को, क्योंकि खत्म ही नहीं होगा। आपको लोगों को इंट्रोड्यूस करना है यीशु मसीह। वो जब यीशु मसीह उनके अंदर आ जाएगा, वो अपने हाथ रख के दुआ करेंगे, चंगे हो जाएंगे, अन्यथा लाइन लगी रहेगी, आपका हाथ भी घिस जाएगा, वो गंजे भी हो जाएंगे, तब भी चंगे नहीं होंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये सब में बहुत अच्छा लगता था, शुरू में बहुत अच्छा लगता था, स्लेन हो गए, दुष्ट आत्माएं निकल गई, फिर 10 दिन बाद आ गया वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्योंकि क्या करता था मैं भी, धान आ गया मेरे पास, अब मैं हाथ रखूंगा। तो फिर क्या, परमेश्वर अपनी महिमा आपको नहीं दे सकता। महिमा हमेशा किसकी होनी है? आप देखते बड़े बड़े बॉम्बे में जब करा था उन्होंने, तो एक लड़की ही लोग, अब वो कहीं भीड़ में थी, जो निकलना टाल के लाए उसके, तो वहाँ पर है रिकॉर्डेड है, उसने पूछा बच्चे को इंग्लिश में, पूछा क्यों इंग्लिश में, डू यू नो, सो दैट मीन्स आई डू नो, फिर उसने पूछा डू यू नो क्राइस्ट, तो चंगाई कोई जरूरी नहीं कि विश्वासी हो उसी को, अविश्वासी भी चंगा हो सकता। तो कई बार हम इसी में फंस जाते, अच्छा चंगाई होगी तो इसने यीशु को ग्रहण किया, नहीं बिना ग्रहण करे भी चंगाई, क्योंकि यीशु मसीह इतना भला परमेश्वर है, जो भी आया उसके पास सबको चंगा था। 10 कोड़ी आई तो क्या हुआ, सब चंगे, पर वापिस कौन आया? वो था असली जो यीशु मसीह को मान, पर सब हो तो गए थे चंगे। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए मिनिस्ट्री करते हैं कि सब चीज, अगर किसी को चंगाई मिल गई, दूत आत्मा निकल गई, इसका ये मतलब नहीं है कि वो यीशु मसीह, यीशु मसीह में आने के लिए आपको सुसमाचार बताना होगा, अन्यथा, क्योंकि शुरू में जब मैं भी मिनिस्ट्री करता था, हम लोगों दूत आत्मा निकल के भेज दिया, सुसमाचार तो बताया, अब वो जब तक यीशु की आत्मा आपके अंदर नहीं आएगी तो वो तो साफ करके दे दिया, और 7 बार अगली बार जब आएगा वो 7 दिन तो लेकर हो जाएगा आत्मा का। बी ऑलवेज कि आपका पर्पस फॉर योर क्रिएशन इज सुसमाचार, क्योंकि सुसमाचार बताने से क्या फायदा, क्यों सुसमाचार, ऐसा क्या है सुसमाचार, सोचा कभी पढ़ा? बोलिए रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हाँ? पहले तो यहूदी, हाँ? फिर यूनानी के लिए, हाँ? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मैं इसको इंग्लिश में इसके लिए पढ़वा रहा हूँ, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में एक शब्द आर्टिकल होता है दी, जो हिंदी में नहीं और अन्य लैंग्वेज में नहीं है। वैसे हिंदी में कई जगह ही बोला जाता है उसको, वैसे समथिंग लाइक दी, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट। The gospel of Christ means एक ही है वो सुसमाचार, वो भी किसका, हमारा और आप वाला gospel नहीं, यीशु मसीह का। For it is the power, उसके अलावा कहीं सामर्थ नहीं है, the power माने उसमें है सामर्थ of God, और वो सामर्थ आपकी और मेरी नहीं है,
वो सामर्थ परमेश्वर की unto salvation to everyone that believeth, okay, Greek और तो ये है खासियत। बाइबल में सामर्थ क्या है? सामर्थ जब हम शब्द यूज कर रहे हैं तो क्या है? बोलो, रिएक्ट करो थोड़ा, अच्छा लगता है। क्यों पूछ रहा हूं कि आप अगर जो जवाब देंगे वो बिब्लिकल है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मगर आपके अंदर अगर वो गलत है तो उसको पहले मैं करेक्ट करूंगा, जब जाकर आप आगे समझ। सामर्थ क्या है बाइबल? जी जी, हम परमेश्वर की अधिकारी, परमेश्वर की अधिकारी। शक्ति, व्हाट इज दैट शक्ति? दैट इज द होली स्पिरिट। बेस्ट उदाहरण उत्पत्ति दे, परमेश्वर ने रचा और फिर क्या था? बेडोल, अंधेरा, और ऊपर क्या मंडराया? तो फिर कभी परमेश्वर ने क्या जोड़ दिया? उजाला हो करने वाला कौन? बाहर हो गई कुछ है ना, दैट इज द पावर। अगर आपको परमेश्वर की पावर अर्थात पवित्र आत्मा चाहिए, बाइबल की बाकी चीजों से नहीं आती, आती तो खाली सुसमाचार से। हम बाइबल की बाकी सब चीज पढ़ा देते हैं, अच्छी चीज ही करते हैं। और आपकी क्या, आपको अन्य धर्म की पुस्तक भी ले दो तो गर्व खराब थोड़ी लिख रहे हो। वहां भी यही बोला कि आदर करो, माँ बाप का झूठ मत बोलो, अच्छे ही रखता हूँ। वहां क्या नहीं है? सुसमाचार। इसके लिए सामर्थ्य। हम जाकर एकदम से बोलने लगता है आपकी किताब बेकार है, पढ़ा नहीं, नहीं ये सब बोलने की जरूरत नहीं। वहाँ पे बहुत अच्छी चीजें लिखो, बल्कि आपकी बाइबल से भी कई बार कई चीजें अच्छी मिल जाएंगी आपको। मगर असली चीज जो चाहिए वो नहीं, वो है सुसमाचार की सामर्थ। और वो क्यों है? वो क्योंकि उसके द्वारा पवित्र आत्मा का देता। पढ़ते इसको इफिसियों 1 का 12-13 पढ़ो। लिख रहा है कोई? अरे वैसे लिख रहा हूँ ना, धोखा मत देना मेरे। चलिए पढ़िए। क्या बोला मेरे को? मतलब लिखा पीछे एक बार। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे, ये मत सोचो, आराम से सब बैठ जाओ। हाँ, 1 का 12-13 पढ़ो। हाँ, जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। क्या है उद्धार का सुसमाचार? सारा वचन नहीं है, उद्धार का सुसमाचार। आगे, जिस पर तुमने विश्वास किया। हाँ, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये है तरीका सामर्थ्य पाने का। आमीन। इसके लिए सुसमाचार बताना जरूरी है। हमारा आधे से ज्यादा सुसमाचार तो मॉरल साइंस की किताब है। ऐसा करो, झूठ मत बोलो, कराना उन सबसे कुछ सामर्थ्य नहीं आएगी। अगर उससे सामर्थ्य आती है तो बाइबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मॉरल साइंस की एक किताब ले लो, छोटी है, आसान है, समझ में आ जाएगी। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, सब है वहां पे। मगर वहां पे उससे सामर्थ नहीं आती। वहां से तो बल्कि जो सामर्थ मिल सकती वो नहीं मिलती। ये पता है? आप जानते हो क्यों लोग पर उद्धार नहीं पा सकते? तो बता सकते मुख्य कारण उद्धार नहीं पाने का? कभी विचार किया? और आपको तो मिनिस्ट्री करनी है, वो असली चीज वही नहीं पता होगी तो क्या? हम खाली ये मान के जाते हैं आपने पाप किया, आपको पाप की माफी मिली है, है वो किस समझ में? वही है जॉन 3:16 में यही बोला। पर एक्चुअली में जो कौन ऐसे लोग हैं जो उद्धार नहीं पाते? क्यों नहीं पाते, क्या कारण? सोचा कभी? हमारे पास दिमाग में आता है पाप के कारण नहीं पाते, है ना? कितने लोग वहां पर
पापी पाप कर रहे हैं इसके लिए दाढ़ी बी बोल्ड टू कन्फेस, यही मानते हैं बाइबल में बिल्कुल लिखा गया। और वो पाप है ये भी बता दूं, जो आएगा समझा तो पढ़े रोमी 10:3, बल्कि उसको रोमी 10:1 से हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। तो मैंने यहाँ जो मैं अब सिखा रहा हूँ पौलुस किसके बारे में बता रहा है, उद्धार के विषय में बता रहा है ना, और कोई विषय नहीं है आगे। क्योंकि हाँ मैं उनकी गवाही देता हूँ। अब कौन गवाही दे रहा है, पौलुस विश्वासी हाँ, कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। परमेश्वर के लिए धुन मतलब चाहते हैं मैं परमेश्वर को जान जाऊं, है ना, ऐसा नहीं कि पर पाप करने के लिए धुन रखते, ऐसा नहीं लिखा, परमेश्वर के लिए धुन रखते। बट प्रॉब्लम क्या है, परंतु बुद्धिमानी के साथ, ये प्रॉब्लम होता है क्या है, बुद्धिमानी के साथ नहीं है। फिर आगे क्या लिखा, क्योंकि वे परमेश्वर, अब देखो बुद्धिमानी के साथ क्यों नहीं है, अब उसका रीजन आ रहा है क्या, क्योंकि हाँ वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो गए। किसके बुद्धिमानी क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता को जानना, मगर क्योंकि अनजान है तो इसके लिए बुद्धिमान नहीं है। फिर आगे और अपनी धार्मिकता, अब परमेश्वर की धार्मिकता को क्यों नहीं जान पाते, वो उसका कारण ये लिख रखा है, क्योंकि वे अपनी धार्मिकता हाँ स्थापित करने का यत्न करके क्या करते हैं, किस कारण से पाप करके करते, अपनी धार्मिकता क्या है, अच्छे काम करने की अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं। फिर क्या है, यत्न देख रहे हो ना, कावड़ लेकर जा रहे हैं, हमारे जर्मनी में पोड़े खा रहे हैं सब है, क्रिश्चियन में भी है, क्या है वो सब, स्वयं की धार्मिकता। अब पूरा बीच वाला सेंटेंस वापस, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता, और ये जब ये यत्न करते रहते हैं तो फिर क्या लिखा है, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हो। तो बेसिक मेजर रीजन लोग पाप उद्धार नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो स्वयं की धार्मिकता में चले, और स्वयं की धार्मिकता कैसे आती है, व्यवस्था की, और आपके सारे धर्म जो यहाँ तक क्रिश्चियनिटी को भी इसी में कन्वर्ट करते हैं, दस नियमों का पालन करोगे, बनाना करोगे, ये करोगे, पाठ करोगे, धर्म स्वयं की आपके जितने भी धर्म की पुस्तक में क्या है, ये नियमों को पालन करोगे, इसके लिए उद्धार नहीं होता धर्म से। और आप में से कई लोग अन्य अन्य धर्मों से आए हुए, क्या ये कर लो, यू मान लो, जूम फेरो है ना, वो क्या है, खराब चीज थोड़ी है, क्या गलत है, पर वो क्या है, स्वयं की धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता का कारण है जिससे आप परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर दान में देता है इसको ले नहीं पाते। आई बात समझ में, ये सब चीजें आपको जानना है अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप जाकर बोलोगे हिंदुओं को आपके पाप की कर, पाप क्यों करते हैं, आए होगे ना, हम पाप ना करते, अब बोलो क्या करोगे, दिखाई के लिए हमारे उद्धार की जरूरत, पाप की कहानी आप क्योंकि बहुत अच्छा करते हो इसके लिए उद्धार की जरूरत। आई बात समझ, हंस रहे हो, वास्तविकता बता रहा हूं वचन से, इसके लिए कई बार हम लोग हॉस्पिटल को, मैं पता क्यों आया प्रभु में, मैंने जैसे बताया ना वो, क्या तुम यीशु मसीह हो, जब समझ में आया यार मेरा उद्धार इसके, मैं तो ये मानता था मैं बहुत अच्छा व्यक्ति, मगर आपकी अच्छाई इसे थोड़ी हो सकता है उद्धार, तो सारा धर्म यही सिखाता, काम मत करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, फास्टिंग करो, वहां जाओ, यहाँ उतरो, वगैरह वगैरह, वो सब स्वयं की,
आपने कभी इस चीज को ढूंढा बाइबल में ये कहां क्लियरली लिखा है? पढ़ते हैं लूका 18:9। पापी लोग तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, उद्धार पा जाते हैं, पता है आपको वास्तविकता ये? पापी लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, समझ जाते हैं हम तो बच नहीं सकते, प्रभु बचा। उद्धार यही तो है कि हम भरोसा करें उस यीशु में। पढ़े 18:9 से उसने उनसे ये बताया, बोल रहे हो ये मैं बता दू, ये लूका नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है। ये मत सुन लेना कि लूका बोल रहा है, लूका में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोलता है। हाँ उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते, जो अपने ऊपर ये है प्रॉब्लम, भरोसा हमको एक्चुअल में किस पे रखना है? रख किस पे रहे हैं? आगे बता रहे हैं कैसे रखते हैं हम अपने ऊपर भरोसा, कि हम धर्मी हैं। हम धर्मी हैं, धर्मी कैसे हैं आप आगे बता रहे हैं। और दूसरों को तुच्छ जानते थे। हाँ यह दृष्टांत कहा, आगे दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य चर्च में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। आपको पता है ज्यादातर चर्च के अंदर कौन रहते हैं? फरीसी लोग, क्योंकि वो भी कहता अंदर, आगे चल के पता पड़ेगा वो जो था ना वो तो चुंगी वाला था, अंदर ही नहीं आया, वो तो बाहर ही खड़ा था। अच्छा वो बाहर खड़ा रहा, बच गया। आगे पढ़िए देखिए, वचन बता रहा है, पढ़े। फरीसी खड़ा होकर हाँ अपने मन में, अब आप यहाँ देखना, फरीसी जो जो कुछ कर रहा है वो सब चीज वचन के अनुसार कर रहा है। क्या कर रहा पहले? अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। बाइबल में लिखा था प्रार्थना करो, तो बल्कि हम अनसीजिंगली लिखा है सेकंड थेसलोनी का। आगे हे परमेश्वर, हे परमेश्वर करके बात कर, ऐसे नहीं कि हे मैं, नहीं हे परमेश्वर। हाँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद करो, प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर कर रहा है धन्यवाद। आगे कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, अर्थात 10 नियमों का भी पालन करना। व्यभिचार के लिए कोई लिखा था ना, व्यभिचार मत करना, मैं व्यभिचारी भी अन्याय नहीं करता, फिर मैंने 10 नियमों का पालन करना। फिर आगे क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा था, मैं मानता हूँ करता हूँ, मुझे भी बोला होगा। आगे और ना इस चुंगी लेने वाले के समान, हाँ क्योंकि वो यही करते थे चुंगी वाले, अब इतना रख के जाओ जब हाँ, तो आजकल की जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर्स कर रहे ना, ईडी वाले और क्या कर ये करते थे, ईडी सीबीआई क्या कर दिया। आगे मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, ये भी बाइबल की चीज, अभी तक इसमें क्या करा है बाइबल की चीज नहीं। फिर आगे मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी निकाल, ये भी बाइबल की चीज कर रहा। मैंने एक दिन बोला प्रभु मैं आपके ऊपर कोर्ट केस करूंगा, ये बेचारा सब कुछ बाइबल से कर रहा है और आप कर क्या रहे हो इसमें। आगे परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, दूर खड़े होकर चर्च के अंदर भी नहीं आया, मंदिर में भी नहीं आया, बहुत जास्ती होगी, मैंने बेचारे से चर्च जा रहे हैं बजा नहीं रहे हो, तो बाहर खड़ा उसको क्या करना लिखा है, स्वर्ग की और आंखें उठाना भी न चाहा। ये लो स्वर्ग, यहाँ फरीसी प्रार्थना कर रहा है, आ उठा दी गई फिर वरन अपनी छाती पीप पीप कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आगे कर, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं हाँ परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया। आज तक दूसरे नहीं था चले और यार मेरे को बोले थे यार मेनलाइन चर्च वालों को शाम को बोला ये उन लोग के लिए यही चर्च में जाके सब कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, मगर एक चीज नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं सब कर रहे तो हम पापी नहीं। आप इस सब करने के बाद भी पापी, क्योंकि पापी हम बनते कैसे? पापी हम बनते कैसे हैं?
चलो अब अच्छा माइक वाइक की जरूरत नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, सुनाऊंगा, घबराओ मत, सुनाई दे रहा है? Yes. पापी हम कैसे बने? हाँ जी, पापों को करने से, यही मानते कई लोग, क्योंकि हम ये पाप कर रहे हैं इसके लिए पापी हैं, तो शुद्ध कैसे हो जाओ कि ये पाप बंद कर दोगे तो शुद्ध हो जाओगे, निष्पाप हो जाओगे। आप जो कर रहे थे और बंद करने के बाद भी पापी रहोगे, ये वास्तविकता है। देखते हैं रोमियो 5:19 को, हाँ रोमियो 5:19 पढ़े। क्योंकि जैसा एक मनुष्य, जैसा एक मनुष्य के कार अनाज्ञाकारिता के कारण पढ़ो आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। सो यू एंड आई, हम सब पापी क्यों बने? हमारे पापों के करने के कारण नहीं बने हम पापी, आपके दादा के परदादा के दादा आदम उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण हम पापी बने, नॉट योर सिन। आगे वैसे ही जैसे वो अनाज्ञाकारी हुआ इसके कारण हम सब पापी बन गए, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। कौन है ये मनुष्य? यीशु मसीह। तो स्पिरिचुअल रियल में पापी और धर्मी हम अपने कर्मों के कारण नहीं बनते हैं, ये समझिए। हरी बात को समझ में? Yes. हम लोग आधे से ज्यादा लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम पापों को कर रहे हैं इसके लिए हम पापी, वो सारे धर्म वाले यही मानते हैं। वो वाल्मीकि जी और फलाना सब ने कहा अच्छा ये पाप आप करते हैं, तो उनको सिखाते भैया ये सब मत करना, बंद कर दो तो ठीक हो जाओगे तुम। सारे पाप बंद भी कर दोगे तब भी पापी रहोगे आप, क्योंकि पापी इज अ पोजिशन इन स्पिरिट। आत्मा में पाप क्या है? एक आपका स्थान है। वो क्या स्थान है? जब आदम ने अनाज्ञा करी तो वहां लिखा था तुम ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे तो अच्छे बुरे का बोध हो जाएगा। उत्पत्ति 2:16-17 है, तो वहां लिखा है कि तुम जिस दिन ये खाओगे अच्छे बुरे का बोध हो जाएगा और तुम अवश्य मर जाओगे। मर नहीं जाओगे खाली, अवश्य मर जाओगे। क्या फ्लैट गिर गया नीचे? उसके बाद प्रभु आया, बातचीत करी, सब कुछ कर, और फिर वहां लिखा तो अवश्य मर जाओगे। फिर भाई तो बाद प्रभु का वचन झूठ बोल रहा है। तो वो क्या था? क्या था कि परमेश्वर की आत्मा, जब परमेश्वर ने मनुष्यों को सजा उत्पत्ति 2:7 में जो लिखा था, उसने पत्ती से रचा और उसके नखनों में, तो वैसे परमेश्वर की आत्मा को न्यूमा को खोला तो वो एक जीवित प्राणी। क्या था? आदम की आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा थी। जैसे ही उसने अनज्ञा करी तो क्या हो गया? आत्मा हट गई। अब क्या पोजीशन हो गया? बिना आत्मा। तो पापी अवस्था आत्मा में क्या है? जब हम बिना यीशु की आत्मा के, इसको आप जब एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लिखा है, वहां वर्ड यूज करा जाता है फ्लैश। रोमियो 8:8 कभी एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ लेंगे इसको, तो फ्लैश को क्या डिफाइन करता है? विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड। फ्लैश क्या है? प्राण और शरीर। क्या हो गया आदम? आत्मा मरी नहीं है, पर आत्मा में जो रिश्ता होना चाहिए था वो खत्म हो गया। आत्मिक मौत क्या है? सेपरेशन फ्रॉम गॉड। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? आत्मिक कैसे होते हैं? यूनियन विद गॉड। यूनियन विद गॉड। ये सब मेरे क्लास में रहे हुए इसको ध्यान, मेरे पास जयपुर में आकर सीख के गए, इसमें बड़ा आराम से बोलता आपसे नहीं चलता। आत्मिक कैसे बनते हैं? तो क्या होता है उस विश्वास? बाइबल ने कहा लिख रखा कि आत्मी कैसे बनता है? ऐसे में जब पहले तो मैं समझाता हूँ हम लोग क्या सोचते हैं,
कि हमने बहुत बढ़िया बाइबल बगल में दबा ली, सफेद चोला पहन लिया, ये बगवा वैसे पहन लिया, तो हमारे तो बोलते भी ऐसे ही सोचा, अरे बड़ा आदमी चलती है, मैं भी यही सोचता था। मैंने जब बाइबल में पढ़ा तो बिल्कुल अलग चीज निकल के आती है, पढ़े रोमियो 8 का नो, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा हाँ तुम में बसता है, तो जबकि मैंने है नहीं पहले, एक समय आ रहा है जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आई बात समझ में, ये नहीं कि साम 23 बोल दिया 91 बोल दिया तो आत्मिक हो, उसमें कोई गलती नहीं, अच्छा आता है बहुत अच्छी बात, मगर उसके कारण आत्मिक नहीं हो। आत्मिक कब होते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में आकर वास करता है। तो फिर आगे क्या लिख दिया, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हमारे क्रिश्चियन समाज में क्या है, मैं एक समय विश्वास भी करता हूँ, अगर मेरा फलाना चर्च के रजिस्टर में नाम हो गया तो मैं परमेश्वर का होगी। और मैं वास्तविक में बताऊं, मेरी जो नौकरी के कारण मैं जयपुर में उस जमाने में शायद 66-76 का कोई नंबर था चर्च, मैं आराम से सबकी को दे सकता हूँ मेम्बरशिप की, तो मैं तो सुपर आत्मिक हो जाता सारे चर्च का मेंबर बन सकता क्या, मेम्बरशिप में यही तो है, दे दिया मेंबरशिप दे दिया तो आपका नाम है नहीं ये तो हटाओ नहीं तो वो भी नहीं हटाते, फिर भी चलाते रहते कि कभी तो दे देगा। हमारा जो कंसेप्ट क्या है इसी से है ना, कि हमने किसी चर्च में नाम लिखा दिया और वहां जाने लग गए तो आत्मिक नहीं है। बाइबल बता दी आप परमेश्वर के हो ही नहीं जब तक यीशु की आत्मा नहीं है, तो आत्मिक कौन है, जिसने यीशु की आत्मा हमें तो कभी भी ये मत सोच लेना कि बहुत अच्छा सफेद कपड़ा पहना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सफेद वाले नहीं आते, बहुत है आज प्रभु को जानते सब उससे, मगर उस करने से या बाइबल बगल में दबाने से आत्मिक नहीं हो सकता। बाइबल नहीं पूरी किताब दे दो, एक दो बाइबल दे दे यार, सब मजा आ जाएगा। तो हमारे ये सब विश्वास तकनीकी नीचे बाइबल तो सो जाओगे तो दुष्ट आत्मा ही नहीं है वैसा तो हुआ जब प्रभु ने नहीं था, मैं 1998 में उधार पाया, 96 में मेरे को टाइफाइड हो गया, आ गए ब्रदर के कानपुर से मेरे से सवाल से, वो आ गए उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा ब्रदर एक बाइबल अपने तकिए के नीचे रख दो, फिर दूसरे दिन आकर बोला अच्छा बाइबल तो रख लिया ब्रदर आप भी क्रॉस टॉन हो, मेरी मम्मी ने बेचारे की भूल गए एक चेन लेकर क्रॉस हो गया, टाइफाइड हुआ बाइबल हालत होती टाइफाइड हुआ फिर पैर टाइफाइड हो गया ये भी किसी टाइफाइड के साथ पैर टाइफाइड हुआ, फिर वहाँ ही नहीं रुका, फिर स्क्रीनिंग एब्सेस भी हो, तो स्क्रीनिंग एब्सेस बताते मैं जी डॉक्टर कहते कुछ लाखों में डॉक्टर लोग में भी लाखों में कोई एक डॉक्टर ने ऐसा पेशेंट देखा होता है अपनी जिंदगी में, तो बहुत रेयर चीज। मैं कर क्या रहा था बाइबल की बात, फिर बात की ये सब कैसे आ गया और क्यों ये सब क्यों है, ड्रैकुला की फिल्म देखो खास आगे और ड्रैकुला जी भाग गया, हमारे घर में भी एक बार बहुत बड़ा मेरे मेरी वाइफ की मासी है, एक बस मेरे सासू जी मेरे दो बच्चे हैं, मैडम हम उधार पा चुके वो एज यूजल होता ना, मैं किस तरह एक एक क्रॉस टांग देते हैं दोनों बच्चे में, तो हमारे एक बच्चे का क्रॉस हो गया, वो था बड़े वाले का खोया, वो बड़ा स्मार्ट था, वो सेम टाइप का क्रॉस अमोल का था छोटे वाले का, उसने सूर उठा कर लगा लिया अपने ऊपर, अब वो समझ में भी नहीं आया क्योंकि क्रॉस तो दोनों एक जैसे ही दे दिया, और वो सुबह अमोल वो कर रहा हूँ, फिर उसकी नानी ली ना वो आप इसका क्रॉस क्यों हटा दिए, क्या नागर बना रखा था कपड़ा
मेरे बेटों पे कुछ नहीं होने वाला। अगर ये क्रूज लोगों को बचाए रखो करते हैं, बाहर दुकान लगा कर बैठे रहते हैं क्रूज और ये तो ये नहीं कह रहे तो बेच रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मेरी गाड़ी में ही मेरे क्रॉस वॉस था। मगर आपका अगर ये विश्वास है कि वो एक क्रूज आपको बचा सकता है तो वो अंधविश्वास। मेरे को ये बताओ ऐसा धन नहीं है कि सारे देशों के पास कि सबको क्रूज बना दो और सब बच्चे ले जाए, नहीं मैंने एटलीस्ट हमारे यहाँ पे भी सबसे गरीब भी क्या 5 रुपए 2 रुपए में आ जाता है, वो क्या वो तो उससे ज़्यादा वो घोड़े की नाल की अंगूठी बनाकर पहन लेते 2 रुपए और फिर नहीं पता पड़ता सारे दुष्टात्मा से भरे रहते। जानते नहीं आत्मा जो, क्योंकि हमारा विश्वास इन चीज़ों पर आ जाए तो फिर हमारा विश्वास यीशु पे आ ही नहीं सकता। ये द मोमेंट आप किसी ऐसी चीज को मानते कि इसको ये पहन ले कर ले तो हम बचे रहे, अविश्वास में आ चुके, और अविश्वास पाप है। तुम्हें बताना अब चल के पढ़ते हैं इब्रानियों को 12 का काम कर रहे एक से पढ़ना शुरू करें आगे बढ़ो। इस कारण हाँ जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बाग है हमको घेरे हुए हैं जी, तो आओ हाँ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हाँ वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। फिर क्या अगला? और विश्वास के कर्ता, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। मैंने ये कुछ ऐसी बात बताऊं इंग्लिश में शायद लिखा था, लुकिंग ऑन टू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। ये विश्वास आपका नहीं है, ये यीशु का विश्वास है जो कि विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, जो पुराने नियम के लोगों में नहीं था, अवेलेबल नहीं था, वो अपने विश्वास से परमेश्वर के विश्वास। और आज हम नए नियम में आकर क्या विश्वास पाकर रखते हैं? परमेश्वर का विश्वास पा, जो हमने पढ़ा ना गलतियों में पॉलिस बोल रहा है फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, वो है ये विश्वास। आपके विश्वास से नहीं चलाना चलता परमेश्वर, वो तो एक दिन तो यूँ हो और दूसरे दिन कुछ हो गया तो यूँ हो, तीसरे दिन और कुछ हो गया तो यूँ, फिर किसी ने थोड़ा बढ़ाया तो किधर तक आ गया। परमेश्वर के विश्वास में चलोगे तो कैसे चलोगे? फिर ये नहीं देखोगे दिखता है उससे नहीं चलते, इससे चलते हैं विश्वास। कौन से विश्वास? यीशु को तो बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, राय कर देना बहुत विश्वास बढ़ाए तो इसमें से विश्वास बढ़ाने के लिए जो दे रखा है उसको इस्तेमाल कर। चलो नहीं पूछा था इस वजह हमारा विश्वास बढ़ा, और कब? ये नहीं कि दुष्ट आत्माएं निकालने लगा जब उसको बोला कि तू 70 बार 70 इसको माफ कर तब बोलते विश्वास बढ़ा है ना, तभी बोला उन लोगों। विश्वास जब आप उद्धार पाते हो वो दान लो, पढ़ते 102:8 पूछना है तो पूछिए, हाथ पथ खड़ा कर उधर उधर मत इधर से ऐसे और कुछ बात कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा था, लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ से एक और शायद टीचिंग शुरू होगी वहाँ से, क्योंकि विश्वास तो अनुग्रह है। विश्वास और अनुग्रह, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है हाँ? और ये हमारी ओर से नहीं है, ये जो विश्वास और ये अनुग्रह क्या है हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का दान है, अर्थात हम कमा नहीं सकते, हम खाली रिसीव कर सकते। आमेन। ये है ये विश्वास, कौन सा वाला विश्वास? सुसमाचार में बोला, सुसमाचार सुनने से एक विश्वास आता है, जो रोमियो 10:17 ना वो सारा वचन सुनने से नहीं आता विश्वास, ये भी बता दूंगा आपको, ये बहुत लोगों की गलतफहमी है, परमेश्वर वचन सत्य निसंदेह
factual ability. But every word of God doesn't give you faith. सुनना है, जानना चाहता हूँ, हाँ? पढ़ो गलतियों तीन का, यार आए, एक मिनट, गलती तीन खोल लीजिए, सुन लीजिए। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। क्या बोलना जरा जोर से? अरे बोलना। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। कौन सी व्यवस्था? तो संडे स्कूल में घटा देते और फिर 30 साल में वो लड़का सब कुछ कर रहा है जो बाइबल के विरुद्ध। सब क्या हो गया? हमने तो उसको संडे स्कूल में भेजा, चर्च लेकर गए। करा क्या आपने? व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। रोमी 7 में लिख रखा है, ये व्यवस्था पवित्र है, आत्मिक है, सब लिख रखा है, मगर विश्वास नहीं आता उससे बाइबल का। ऐसे ही मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। हम लोग चर्चों में सिखाओ इन लोग, इतना अच्छी बात है, उसका एक पर्पज हो, मैं आज नहीं जा रहा हूँ, हो सका तो बताऊंगा। व्यवस्था मैंने बताया, पर व्यवस्था और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने अपने हाथ से उंगलियों से पत्तियों को लिख के दिए, गलत गलत नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर उसका विश्वास से कोई संबंध नहीं। बाइबल का विश्वास व्यवस्था से आता ही। उसको जी और भी बता देता हूँ क्लियर करने। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? तो ये मत प्रचार कर देना, अंकल ने बोल दिया व्यवस्था बकवास है, विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था प्रतिज्ञाओं के विरोध में नहीं है। फिर आगे क्या लिखा? कदापि नहीं। भैया मैं इसके लिए बहुत कौशल ही पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर बोलोगे अंकल वो थे झूठे भविष्य और ऐसा नहीं है, सही भी बता रहा हूँ। क्या लिखा? कदापि नहीं। क्या लिखा फिर आगे? क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती, क्योंकि ऐसी व्यवस्था दी जाती है, सबसे बढ़िया परमेश्वर ने लिख के दी, तो बढ़िया ही व्यवस्था दी गई। क्या लिखा है मैं आगे? जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अब समझ में आ गया, क्योंकि व्यवस्था को पालन करने से आप परमेश्वर की धार्मिकता नहीं पाते, आप स्वयं की धार्मिकता में खड़े हो। विश्वास में नहीं चल सकता, और परमेश्वर क्या चाहता है? विश्वास की धार्मिकता चाहता। आप समझ में आता है? धार्मिकता को समझना बहुत जरूरी है। तो जो हमने अभी रोमियों में बताया ना, क्योंकि स्वयं की धार्मिकता के कारण परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, तो परमेश्वर की स्वयं की धार्मिकता कैसे होती, पढ़ लेते हैं फिलिप्पियों 3:9 पढ़े। फिलिप्पियों 3:9 पौलुस बोल रहा है, और उसमें पाया जाऊं, पौलुस बोल रहा है उसमें पाया जाऊं, अर्थात यीशु मसीह में मैं पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, ना कि अपनी। जब आप इसको फिलिप्पियों को पढ़ोगे ना एक से, तो बगार रहा है कि मैं बंजामिन का, पलाना का और व्यवस्था का पूरा पालन करता हूँ, ये सब बोल रहा है। और फिर आप क्या बोल रहा? वापस रिपीट कर देना, वैसे मैं वापस रिपीट। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। किससे है? समझ नहीं पा, मैंने अभी समझा कि व्यवस्था से आप करने लगोगे तो आप स्वयं की धार्मिकता। और उसने बता दिया फिर आगे क्या लिखा है? वरन उस धार्मिक, वरन वरन शब्द मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैंने एक दूसरी चीज भी और है। वरन उस धार्मिकता, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। तो फिर क्या लिखा और आगे? और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मिलती है भी नहीं आपके अंदर, लेना है अभी उसको, पर क्यों नहीं मिलती? स्वयं की धार्मिकता में बैठे रहते।
ठीक है, हम चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, सब है, सारी चीज़ों पे मैं शिक्षा देता हूँ, सब गलत नहीं है, मगर कब, जब आप स्वयं की धार्मिकता छोड़ के परमेश्वर की धार्मिकता, मैं इन सारी चीज़ों की शिक्षा तो आज तक नहीं दे पाऊंगा। 12 बजने वाले लड़का हो गया, खाना भी आपने रोक दिया, मैं कैसे पुत्र चर्चा रख, आई बात समझ में? तो धार्मिकता जो है वो हमको क्या मिलनी है, दान मिलनी है। धार्मिकता कैसे मिलेगी, जब हम यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य पे विश्वास करेंगे तो हम क्या ठहरा दिए जाते हैं, जो हमने पढ़ा भी 5:19 में, एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता से हम सब पापी ठहरे, दूसरे वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण हम धार्मिक ठहरे, क्योंकि हमको अब वो धार्मिकता, ठीक है, लॉक किया जाए, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं चर्चों में जो मैं सुसमाचार बताते हैं, यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, वो हमारा प्रभु और उद्धार करता है, हम करते क्या है, जो पहले करते तो वही करते, देखते हैं आप मिनिस्ट्री करने वालों को लगता है अंकल सब सिखाया, मैं करते वही रहे बनते अभी भी मूर्ति पूजा करते, क्योंकि आपने जो सिखाया वो आपने कई बार हम लोग स्वयं की धार्मिकता में करा करते, कर्मों के आधार पर ले जाते हैं, हाँ बाइबल पढ़ने आना, चर्च करते, तो जैसे ही आप उसको कुछ करने के लिए बोल देंगे ना तो क्या हो जाता है, स्वयं धार्मिकता में फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमको हमेशा ये क्लियर कर देना चाहिए, मगर बाइबल में जब भी आप अनुग्रह के विषय में पढ़ोगे इसको यूँ बोलो, लोगों को बोलते हैं हमारे चर्च में सब बोल भी देते हैं, हाँ हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते, वो कर क्या रहे हैं, फिर वही बात पुरानी चीज़ें करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, मगर वास्तव में जब आप बाइबल में पढ़ोगे अनुग्रह के बारे में, दो तीन जगह इसमें पढ़ाता हूँ, वहाँ क्या है कि हमारा जो उद्धार है तो यीशु मसीह की हम आत्मा को पाते हैं, उसमें कोई आपका कर्म इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो केवल अनुग्रह और विश्वास से, जैसा हमने 108 और वहीं पढ़ते वापिस चलो 108 वापिस पढ़े, क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो क्या हो गया कलीसियाओं में, हाँ हम कर्मों से नहीं बचाए जा सकते, यीशु मसीह पे विश्वास करके अनुग्रह और हमारा उद्धार हो गया, तो फिर बैठ जाते हमको कुछ नहीं करना, आप सब परमेश्वर कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता, उद्धार तो केवल अनुग्रह और विश्वास ही है, वो आपके और से नहीं है, परमेश्वर का दान है, फिर और उसको क्लियरिफाई भी कर दिया गया, आगे ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, ताकि हम कोई घमंड कर सके, ऐसे लिखा ना सकते, हाँ ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, तो यहाँ सब क्या है, कर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, अब आगे क्या लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए, अब ये उद्धार हो गया तो हम किस में बन सज्जित कर दिए गए, यीशु मसीह, लिखा था ना 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया, तो एक नया सृजन, अब क्या लिखते थे, हम यीशु मसीह में और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, कलीसिया में क्या हो रहा है, पापों को करने में लगे, बाइबल क्या बता रही है, काम इन्वॉल्व, उद्धार के बाद 100% भले काम ही होंगे, बाइबल के हिसाब से तो यही है, अब पता नहीं कहाँ से कलीसिया लोग पढ़ते हैं और फिर उद्धार भी पाते रहते हैं, संडे को आकर पापों को भी कन्फेस कर लेंगे और फिर ये और बोलेंगे हमारा यीशु मसीह बड़ा दयालु परमेश्वर है, माफ कर देगा, हम तो पापी हैं, पाप करते रहेंगे, फिर 6 दिन पाप करते रहेंगे, फिर 7वें दिन आकर, ऐसे चलता है हमारी, नहीं चलता, सही बात बता रहा हूँ, और संतुष्ट हुए पाप माफ हो जाएंगे, जैसे कन्फेस कर दिए तो पाप माफ हो जाए, कलीसिया है आज की तारीख में पापों में उद्धार पाना चाहिए,
मैंने हम पाप करते रहे और हमारा उद्धार भी है, और यही सोच के बैठे हुए कि हम पहुंच भी जाएंगे, कोई नहीं जा पाए। क्योंकि बाइबल के हिसाब से पढ़ते हैं मती 2:21, वह उठा और बालक और उसकी माता के साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का इनके पापों से उद्धार करेगा। बाइबल तो ये पापों से उद्धार करेगा, पापों में उद्धार चाहिए। मैंने हम पाप भी करते रहे पर हमारा उद्धार हो, ऐसा तो लिखा ही नहीं। यीशु मसीह आए इसी के लिए कि लोगों को पापों से उद्धार मिलाए। वो कह रहा कलीसिया में अनुग्रह भी हो गया, हम उद्धार भी पा चुके हैं, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। कर कह रहे आप पाप करते रहो, भैया बोलेंगे हम तो पापी है, पापी रहेंगे। अरे यीशु मसीह में आने के बाद कहीं नहीं लिखता कि आप पाप किए, आप तो धर्मी हो। वो नहीं है हम क्या बन रहे हैं, इसके लिए पता ही नहीं है हमको क्या करना है। तो क्या लिखा, भले भले कामों के लिए। एक और जगह से पढ़ते हैं, तीतुस 2:11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, पढ़ते जाए धीरे धीरे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। क्या है? प्रकट जो सब मनुष्यों के, किसके लिए? मैं बीच में भी बात कर, अरे नहीं यार, बाकी अन्य जाति वाली को ऐसा नहीं लिखा, सब मनुष्यों के लिए प्रकट जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सब मनुष्य के उद्धार का कारण, चलिए आगे। और हमें चेतावनी देता है। क्या करता है ये? ऐसा कौन सा अनुग्रह है? हम बोलते रहते ना अनुग्रह हो गया, अनुग्रह गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया। अनुग्रह यहाँ पे जो है वो ये बता रहा है कि सब मनुष्य के लिए प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? यीशु मसीह। तो अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह व्यक्ति है। हम लोग क्या है, एक सोच और समझ समझ अनमेरिटेड लव ऑफ गॉड, सही है गलत नहीं है, पर वहीं तक नहीं है अनुग्रह से। एनीहो चलो पढ़ो आगे, तो इसका अनुग्रह के बारे में आगे लेंगे। और हमें चेतावनी देता है। हाँ, अनुग्रह जब आपको मिलेगा तो क्या हो जाएगा? चेताएगा, सिखाएगा, चलाएगा। हाँ, कि हम अब चेताएगा क्या है कि अब हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, इस बुरे युग में, आने वाले युग के लिए नहीं है। तो ये जो बोलते रहते ना हम तो पापी बाबा, वहां जाने के बाद ठीक हो, अरे वहां नहीं, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। अनुग्रह आने के बाद ये आएगा, सिखाएगा। यीशु मसीह आपके अंदर आकर सोता नहीं है, जिंदा जीवित जागता परमेश्वर सिखाता रहता है। इसीलिए दोबारा जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे हैं। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। जो वास्तव में उद्धार पाएंगे वो जो आते जाएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आसू ठीक है, जो है नरक बरक सब यही है, थोड़ी बीमारी मिल गई तो नरक हो गया, स्वर्ग हो गया तो अच्छा मिल गया। आई हैव तो सब ठीक। हाँ पढ़ रहे लास्ट वर्स पढ़ते हैं। जिसने अपने आप को, अब क्या लिखा है वास्तव में ये हो क्यों रहा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। फिर कि हमें हर प्रकार की, हमारे को कुछ प्रकार की
कुछ प्रकार के, अच्छा हर प्रकार के, हर प्रकार क्या है, हर प्रकार अधर्म से छुड़ा ले। हमारे लोग क्या है, मतलब सिगरेट छोड़ देंगे, बाकी तो बाप नहीं छोड़ेंगे, ये सब गलत है। बाइबल ऐसा नहीं बताता, हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले। और फिर आगे, और शुद्ध करके, शुद्ध वो कर रहा है, हम नहीं हो रहे शुद्ध। और फिर क्या लिखा है, अपने लिए ऐसी जाति बना ले, ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम, क्या क्या करने के लिए, क्या 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 काम, पाप करने के लिए, भले भले काम करने के लिए ठंडे हो जाए। बहुत अच्छा शब्द है, सर गर्म हो जाओगे आप दार पाए में। मेरे को आप बताओ, मेरे को क्या जरूरत है आके सेविकाई करने की। अच्छा खासा IFS ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड हूँ, पेंशन है, एसी में बैठे रहता जोधपुर तक यहाँ पे वो भाई साहब को लेकर आना पड़ा मेरे को, क्यों क्या जरूरत है, वास्तव में बोलो जरूरत है। मैं क्या करते चाहिए, सर गर्म कर दे। चलिए यहाँ बात बंद कर दो, प्लीज रेडी। अमीन। प्रभु का धन्यवाद। तो हमने जो यहाँ खत्म करा था, वहां मैंने ये सिखाया कि जब भी अनुग्रह है बाइबल में मेंशन, तो हमारा उद्धार निस्संदेह हमारे कार्यों के कारण नहीं हो सकता। मां जब उद्धार हो जाता है, अर्थात अनुग्रह जब हमको मिल गया अनुग्रह की, और मैंने जैसे आपको बताया अनुग्रह एक सोच या समझ नहीं, वो व्यक्ति है, आत्मा है। तो उसके बाद क्या होता है हमारे अंदर, कार्य उत्पन्न होता है, और कार्य पाप नहीं उत्पन्न करता, भलाई करता है। अब इस तरह हम बढ़ते हैं अनुग्रह की दिशा। तो सबसे पहले मैंने बताया ना, जैसे अक्सर जब मैं पूछता हूँ अनुग्रह क्या है, तो क्या बोलते हैं अपन, क्या अनुग्रह, अनमेरिटेड लव ऑफ गॉड, ये चीजें बोलते हैं, परमेश्वर का असीम प्रेम। निस्संदेह समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पर बाइबल से देखते हैं वास्तव में अनुग्रह है क्या। पढ़ते हैं इब्रानियों 10 का 29, पढ़िए इब्रानियों 10 का 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है। ये सारा पढ़ के तो एकदम से धड़ लगता प्रभु के विचार करने वाले हैं। मैं ये है वचन है, इसको भी मैं सिखाता हूँ, मैं उसमें नहीं जा रहा। अब अंत का पाठ पढ़े इसको आगे, और अनुग्रह के आत्मा, अनुग्रह की आत्मा का, तो अनुग्रह की सोच समझ नहीं है, अनुग्रह की आत्मा है। हमें हम लोग क्या अभी भी अनुग्रह को क्या समझते हैं, अनमेरिटेड लव और सब उससे फिर क्या सीमित कर देते हैं उसको, पर अनुग्रह स्वयं यीशु, कौन है वो, स्वयं यीशु। ठीक है, जब हम यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन खोले, एक हिंदी
मेरी बहन के पिता जी। अब जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो एक तो पुरानी नियम है पाठ और नया नियम। पुराने नियम को किसकी बातचीत बोलते हैं? व्यवस्था की बातचीत। ठीक है, आप बाइबल काले में पढ़ेंगे और उसको यहाँ योहन्ना 1:17 में जैसे हम पढ़े थे, देखते क्या लिखा है। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। यहाँ क्या लिखा है? व्यवस्था तो मूसा के द्वारा। व्यवस्था कैसा था दी गई? तो क्या था? 10 नियम परमेश्वर ने उसको पट्टियों में लेकर वो लाकर उसने दी। दैट वाज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट जो दिया गया। आगे क्या लिखा है? परंतु अनुग्रह और सच्चाई। अब यहाँ लिखा है अनुग्रह और सच्चाई। हरी आगे यीशु मसीह के द्वारा पहुंची दी नहीं गई है। स्वयं यीशु मसीह आया, वो है वो अनुग्रह और सच्चाई। वो व्यवस्था तो दे दी गई, पढ़ लो कर लो जो भी करना करो। हाँ, पुरानी वाचा में था। पुरानी वाचा क्या थी? कि मनुष्य कुछ करता था परमेश्वर उसके अनुरूप करता था। पर आज हमारे लिए कौन सी वाचा है? अनुग्रह की वाचा। तो वो कौन है? यीशु मसीह। तो आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, बाइबल में बोलते हैं ना जो योहन्ना 8 में है, योहन्ना 8:32 पढ़े। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको पता है ये इंसिडेंस कब हो रहा है? इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ा, 3-4 वर्ष ऊपर से पढ़ा। जो इसका टाइटल है वहां से पढ़ा जा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस यहूदी लोग थे यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था अब ऐसा नहीं किया विश्वास किया उस पर यीशु से। फिर कहा, उनको कह रहा है, यदि कोई अविश्वासियों को, उनको नहीं कह रहा है, ऐसे यहूदी जिन्होंने विश्वास किया था उनसे कहा। क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे को समझ में नहीं आया एक बार करते हुए, वो सारे यहूदी थे और यहूदी लोग इस बाइबल को जो भी उस टाइम जो भी बाइबल था वो सारा सत्य उनके पास था, फिर भी यीशु मसीह बोल रहा तू सत्य को जान। अजीब नहीं लगता? बाकी लोगों के पास नहीं था, तोरा फोरा जो भी था, जो भी लिखा हुआ बाइबल था, सब था, इनको सब जानते थे, यहाँ तक रटे हुए रखे, वो फिर भी बोल रहा है तुम सत्य को जानोगे। तब जो भी था उस टाइम का सत्य था, वचन था, है ना? तो सत्य को जानोगे तो दो चीज आई उन्होंने, यीशु ये बड़ा स्पष्ट बोल रहा है कि तुम अभी तक सत्य को नहीं जान। तब उनको समझ में नहीं आया तो 8:34 में क्या लिखा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता नहीं, नहीं, है सॉरी नीचे पुत्र तुम्हें आजाद करे, ऐसा ना होती है। कौन सा वर्ष बोल दो? वर्ष बोल दो 36 34 नहीं 36। हाँ पढ़े आप बेटा 8:36 पढ़े। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा हाँ तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ समझाया उसने, सारी ये बाइबल तुमने जो पढ़ रखी है तब भी तुमने अभी तक सत्य को नहीं जाना। सत्य कौन? मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, जीवन। इसी के लिए जब नए नियम में आकर यहाँ क्या लिखा? वो अनुग्रह और सत्य से, सत्य हमेशा अनुग्रह के साथ है, व्यवस्था के साथ नहीं है। अब समझ में आता है क्यों बाइबल में आकर व्यवस्था को विश्वास से संबंध, क्योंकि बाइबल अनुग्रह और सत्य के लिए दी गई। और कब आएगा वो? जब यीशु मसीह जो सत्य आई बात समझ। और अनुग्रह किसके साथ है? सत्य के पक्ष में।
नई वाचा क्या थी? अनुग्रह की वाचा। तो अनुग्रह क्या है? एक व्यक्ति है। हम लोग कंफ्यूज इसके लिए हो जाते हैं कि हम कुछ ना कुछ ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने फलाना और जो पार्लेंस में यूज करना है, जैसे मैं खुद भी यूज, हाँ गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई, घर बन गया, घर बन गया, अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया, ऐसे बोलते रहते। भाई यीशु मसीह ने बोला, जब एक व्यक्ति आया कि वो हम मेरे भाई के साथ वो सारा बंटवारा बंटवारा करके दे दूँ, तो कहते ये मैं इसके लिए थोड़ी आया हूँ, तुम्हारी ये चीज़ों के लिए थोड़ी आया हूँ। वो आया किसके लिए? अनुग्रह और सत्य। तो नए नियम में आकर, पुराना नियम है, नए नियम में आकर परमेश्वर से हम कैसे चीजें प्राप्त करते हैं, तो इसी आठ में पढ़ा, अनुग्रह और विश्वास। तो खाली अनुग्रह भी काफी नहीं है, विश्वास भी। कलीसियाओं में लोग बात एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। कुछ कलीसियाएं हैं खाली अनुग्रह अनुग्रह करते हैं, तो कुछ कलीसियाएं विश्वास विश्वास, बहुत खतरनाक है। क्यों बता? इट इज समथिंग लाइक, नमक जानते हो, उसका केमिकल फॉर्मूला जानते हो, NaCl, सोडियम एंड क्लोरीन, है ना? है कोई भी थोड़ा साइंस का स्टूडेंट, कोई भी अगर पढ़ा, इट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड। अगर आप सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग लोगे ना, 101% बढ़ जाओ, इतने घातक होते हैं। क्लोरीन गैस सूंघ लो उसमें जाओ, सोडियम खा लो पूरा छेद वेद होकर निकल जाएगा, होगा ऐसा है सोडियम। पर जब वो नमक बन जाता है तो क्या हो जाता है? रोजाना खाते रहते हो। तो ऐसे ही बैलेंस होना चाहिए अनुग्रह विश्वास। जो खाली अनुग्रह अनुग्रह करते रहेंगे 101%, खाली विश्वास विश्वास को हाईलाइट करते रहेंगे वो भी नहीं चाहिए। हमको दोनों को बैलेंस वे में, दोनों चीज होना है, तब जाकर वो कार्यशील, तब वो जीवन ये है। तो जब तक कलीसिया में इस विषय को, अनुग्रह और विश्वास को हम नहीं समझाएंगे तो नहीं चल पाएंगे, बहुत घातक हो जाते हैं। तो अनुग्रह जो बेसिकली है, मैंने बताया एक पर्सन है यीशु मसीह है, उसको हमको लेना है, और वो लिया कैसे जाता है? विश्वास। तो अनुग्रह वास्तव में एक तो इज अ पर्सन, वास्तव में अनुग्रह दोनों चीज को, आप कर्म को जोड़ नहीं सकते। हम क्या कर रहे हैं कलीसियाओं में? तो मैंने अभी आपको आपको क्वेश्चन भी कहा, सैलवेशन केवल अनुग्रह और विश्वास से, मगर अनुग्रह पाने के बाद विश्वास से एक उपज होती है, वो है क्या चीज? भले काम। तो आप विश्वासी को बन गए, कर वही रहे जो अविश्वासी थे, जब भी वही करते थे अविश्वासी, दैट मीन्स आपने फिर ना तो अनुग्रह समझा ना विश्वास। तो बाइबल तो सारी जगह यही बोलती है कि जैसे आपके ऊपर हुआ तो आप भले काम करो, पाप नहीं सको। भाई एक और पढ़े रोमियो 6:14, रोमियो 6:14, तब तुम पर प्राप्त पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्या लिखा है? अब आप कलीसिया में पाप जब देख रहे हैं, तब क्यों बोलो उद्धार पाने को? ये बाइबल से मैं दिखाता हूँ, उद्धार पाए भी कलीसिया है, अन्य भाषा में सब कर रहे हैं, मैं जा क्या रहे वापिस व्यवस्था। तो जैसी आप व्यवस्था में जाओगे तो क्या हो जाएगी? पाप की प्रभुता आ जाएगी। ये नहीं समझती, जैसी आप अपने बल से अपनी सामर्थ्य, दैट इज व्यवस्था में चलो, अपने बल से अपनी सामर्थ्य से कुछ करना चाहते, पढ़ के देखते हैं, पढ़ी गलतियों 3:1 से पढ़ो। हे निर्बुद्धि ज्योतिर्यो, हे निर्बुद्धि गलातियो, हाँ, कि
क्या कहा? मोह लिया। किसने तुम्हें मोह लिया? मोह ने इंग्लिश में लिखा है, ओ यू फूलिश गैलेशियंस, हु हैज बिविच्ड यू। विश्वासी है ये सारे, गलतियों की कलीसिया अन्य भाषा बोलती थी, वरदानों में चलती थी, सब थी, वहां पे ये हो रहा है। मैंने ये मत सोच लेना कि सब आगे तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को बीबीच मीन शैतानी ताकत। तो लिखा क्या, किसने तुम्हें मोह लिया है, अर्थात आगे फिर क्या लिखा है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? सवाल के रूप में पूछा है, तो उत्तर क्या है बताओ, आत्मा को कैसे पाया? क्या तुम ऐसे नहीं, अरे नहीं आगे मत पढ़ो, वहाँ के सवाल का उत्तर दीजिए पहले। पूछा ना उसने, क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? विश्वास के सुसमाचार मैंने व्यवस्था के कामों से तो नहीं पा सकते। अब क्या बोलते हैं आप, आगे पढ़ो। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर, अर्थात विश्वासी है आत्मा पा चुके, अब फिर वापस कहाँ जा रहे हैं? शरीर में जाना मतलब व्यवस्था में जाना, यही बात है। कलीसियाओं में है, कलीसियाओं के लिए विश्वासियों के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये विश्वासी कलीसियाओं के बारे में कर रहा है, और इसको समझना चाहिए। हम विश्वासी होकर भी वापस व्यवस्था के बंधन में चले जाते हैं। मैं ये इसके लिए सिखा रहा हूँ कि जैसे ही आप व्यवस्था के बंधन में गए तो क्या हो जाता है, आप इसको पढ़ते हैं, गलतियों 5:1 से पढ़ते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ये पौलुस के हिसाब से बता रहे हैं, ये बोल रहा है 2 Corinthians 3:16-17 में, जहां प्रभु की आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता, ठीक है ना? तो उद्धार है वो प्रभु की आत्मा पाना, और उससे हमारे अंदर क्या आ गया, स्वतंत्रता आ गया। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे गलतियों में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। इसमें स्वतंत्रता में स्थिर रहना है, आगे, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूझो। अब हमारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया तो दासत्व में नहीं जा सकते, क्योंकि ये लिखता ही नहीं, अगर नहीं जा सकते तो यहाँ लिखता थोड़ी कि दासत्व के जुए में मत पड़ो। मनु राय तो दे रहा है, मैंने जाते हैं तभी तो लिखा है। हम लोग आते से ज्यादा सोचते हैं, हाँ यीशु मसीह को पा लिए तो हम दासत्व में जाएंगे, जा सकते हो, आगे बढ़ो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे, अब पौलुस पहली व्यवस्था जो अब्राहम, एक व्यवस्था दी गई थी आदम को ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, वो खाली आदम और हव्वा के, तो बाद में जो व्यवस्था दी गई वो अब्राहम के दी गई, तो वो थी खतना की व्यवस्था, पहली व्यवस्था उस चीज को उठा रहा। हाँ, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना हो। हे प्रभु, बेचारा व्यवस्था में तो कहा था तूने को जाकर खतना करा, यीशु मसीह खुद उसका खतना करवाया गया 40 दिन के, और आप ये बोल रहे कि कुछ लाभ नहीं हो। कंटेक्स्ट में समझना, वो दिया गया था पुराने नियम की वो व्यवस्था थी, वो इसराइलियों के लिए थी, उसको करना पड़ता था, और अब्राहम यीशु मसीह भी था। मत आज की तारीख में क्या है कि उस व्यवस्था में उस तरह से जाकर खतना कराने लगोगे तो मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। आगे पढ़ो। फिर भी बहुत बड़ी बात करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उससे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। यहाँ बात सही समझाई, चलो तुम खतना से और व्यवस्था से धोना चाहते हो,
तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं चित कर सकते कि दो तीन चार व्यवस्था पूरी कर ले तो हम सिद्ध हो गए। इसको यहाँ खुला रखना पड़ना, याकूब में जाओ, प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या है व्यवस्था। एक का दस पढ़ना या दो का दस, एक दो बार पढ़ना, एक बार एक का दस और धनवान अपनी नहीं, दो का दस पढ़ना, क्योंकि जो कोई यहाँ देखिए ध्यान से सुनिए, जो कोई मैंने हमें आ गए ना हम सब, जो कोई में हम सब आ गए, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए। ये समझाता हूँ, आजकल देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, 10 प्रश्न दिए, 9 तो बिल्कुल अव्वल कर लिए, एक में चूक गए तो हम सोचते हैं अपने तो 90% तो गए ही नहीं गए। मगर प्रभु के इसमें ऐसा नहीं है, वो कहता है सारी व्यवस्था पूरी कर गई और एक में चूक गए तो वह सब बातों में दोषी सिफर आएगा। ये मत सोच लेना कि 90% आ जाएगा, क्योंकि व्यवस्था इतनी कड़ी है, व्यवस्था ऐसी नहीं हम लोग थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, सुनते रहते हैं, यहाँ तक कि डिट्रोनॉमी को भी ऐसी पढ़ते हैं जो पुराना 28 है ना व्यवस्था भी, तो वहाँ यही सोचते हैं कि हाँ ये कर लेंगे तो ये आशीष मिल जाएगी, ये ऐसा नहीं है। वहाँ शुरुआत में ये भी कहता है यदि तू सारी व्यवस्था को पूरा करेगा तो उसके नीचे उसने 14 तक जो है वो आशीष दे, फिर आगे बोला अगर किसी भी एक व्यवस्था को तोड़ेगा तो ये सारे श्राप तुम पे आए। वही चीज गलतियों में भी बोला कि व्यवस्था से कोई आदमी धर्मी नहीं ठहर सकता, ये है प्रॉब्लम व्यवस्था की। मगर हमारी आज भी कलीसियाओं में व्यवस्था से चिपके बैठे, बिना जाने की व्यवस्था इतनी कठिन है कि कोई कर नहीं सकता, और एक ही कर पाया वो था यीशु मसीह, ना तो यीशु मसीह के पहले कोई कर पाया ना बाद में कर पाया। उदाहरण के तौर पे यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य लिख रहे हैं और स्वर्गदूत जी आए तो दंडवत कर दिए, वो फिर बोला रहे यार मेरे को नहीं करो ये गलत है, गलत था रसनी में लिखा था मुझ सो किसी और को बता दिया उसने भी, थोड़ी देर बाद फिर वापिस कर। अब बताओ यूहन्ना पहुंचेगा कि स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, बताओ। समझ ये है कि हम व्यवस्था को करने ना करने के कारण नहीं है, हम अनुग्रह को लेने के कारण। अनुग्रह ये है कि आज व्यवस्था में आप चलोगे तो एक थोड़ा सा और आगे भी पढ़ो, चार पढ़ो, गलतियों का 5-4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अब समझ में आता है क्यों मसीह लोग जो अनुग्रह प्राप्त कर चुके हैं, अनुग्रह हटता नहीं है आपके अंदर से, अनुग्रह को इस्तेमाल नहीं कर पाते और फिर जूझने लगते। कई मसीह लोग आज क्यों परेशान हो, क्योंकि व्यवस्था में जाते अपने बल से अपनी सामर्थ्य से सब कुछ करना चाहिए, वो व्यवस्था परमेश्वर से अनुग्रह पे निर्भर नहीं। तो क्या हो जाता है अनुग्रह से अलग गिर गए हो, अनुग्रह हटता नहीं है आपको, यीशु मसीह छोड़ के नहीं जाएगा आपके, मगर उसको हाथ बांध देते हो यीशु मसीह का कुछ नहीं कर पाता, फिर कहते हो क्यों नहीं रहा व्यवस्था के हिसाब से। आगे क्या लिखा, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रही कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। किससे वाला अनुग्रह और विश्वास, और ये विश्वास कैसे प्रभाव डालता है, कौन से प्रेम से? हम जो यीशु को प्रेम करते हैं उससे नहीं, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उससे ये विश्वास कार्य।
जो विश्वास दान में दिया उसका इस्तेमाल कब होगा? जब हम परमेश्वर को प्रेम करें। आप लोगों में कितने लोगों को इच्छा है कि मैं परमेश्वर से भरा हुआ रहूं? ज्यादा लोग इच्छुक नहीं है, ये पता ही नहीं। अब बताओ कैसे भरे हुए लोग? हाँ जरा जोर से बोलो, कितना वचन पढ़ना पड़ेगा पढ़ने के लिए? हमेशा याद रहे। हमेशा है यार, बड़ी भी नहीं हो, पढ़ो, क्या फायदा बात करने। और बताओ कोई जवाब। मैंने कहा ना कंडेम मत करो। हाँ और कोई जवाब? बैठ के बोलो। हैं नहीं परमेश्वर के अधीन कैसे रहेंगे? अधीन उसकी आज्ञाओं को। आज्ञा क्या है? दस नियम। यहाँ इतनी देर से मैं स्वीकार रहा हूँ, आज्ञा से नहीं रह सकते आप। कौन सी आज्ञा बताओ? मैं आप भरना चाहते हो आपको तो फिर पता तो होना चाहिए ना कितनी आज्ञा है और कितनी करने से कितने भर जाएंगे, बताओ। दस नियम, दस आज्ञा है। कोई बात नहीं, घबरा मत। जो आप लोग बोल रहे अक्सर मैं टीचिंग करता हूँ यही जवाब मिलते। हाँ और कोई? उनको एक चांस मिल चुका है और बचन। और कोई बोले? बोले बोले थोड़ा सा रिएक्ट करें। हाँ भैया विश्वास बने कैसे रहेंगे? तो हमेशा अपने साथ और की उपस्थिति में। मैंने फिर वो इब्रानियों 13:5 है वो गलत है। मैंने रहना पड़ेगा हमको। वहाँ क्या बोलता है? मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और आप सोच रहे नहीं हम कुछ करेंगे जब आएगा वो हमारे साथ। गलत है ये चीज़, ये विश्वास सही में गलत है। उसने बोल दिया मैं कभी ना जाऊँगा। प्रॉब्लम यही तो है हमारे रूप में, प्रभु तेरी आत्मा भेज सोचता हूँ पढ़ानी के लिए इब्रानी तेरा। मैं गया कब तुमसे दूर? यहाँ तक बोलते कि हम प्रभु यहाँ से जब जाएं तो तू हमारे साथ चल। तो सब गलत है ये प्रार्थना। तो है ही आपके अंदर, तो कहाँ जा रहा है छोड़ के आपको? अंत तक मैं तुम्हारे साथ। तो वचन से कहाँ हमने अपने मन को नया करा? फिर ऐसी क्योंकि सुनते ऐसे है तो फिर वो ही मानने लगते हो, फिर वो सोचते पता नहीं आया कि नहीं आया, फिर थोड़ा सा कुछ हो जाएगा तो कहा गया। कैसे भरे रह सकते हैं? और कोई बताना चाहेगा? हाँ बोले बोले बोले। हाँ यस सर बोले बेटा। आप में से कितने लोग प्रभु से भरे हुए रहना चाहे? चल रहे हम फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे। सही बात कर रहा हूँ, फिर सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? जैसे बाइबल में लिख रखे कि हाथ रखेंगे तो आपको समझा दी वो है, वो यीशु मसीह की कहानी में क्यों नहीं होता है? उसको होता है, मेरे साथ भी होता है, नहीं होता है? क्यों हो रहा है वो? प्रॉब्लम क्यों है? फिर हम कहीं ना कहीं पूरे भरे में नहीं है। हाँ लिखिए जय करके योर सिखा देंगे लोग। चलते कैसे भरे रहेंगे? आधे से ज्यादा वो नहीं बोलते हम अन्य भाषा में दुआ करेंगे फलाना करेंगे तब भरे रहेंगे और इतना उपवास करेंगे। वो सब सही है, उसमें कोई गलती नहीं कह रहा हूँ, पर भरने का वचन से देखते हैं कैसे भरे रहते हैं। yes. 3:18 से पढ़ना शुरू। 3:18 आनंद आ रहा है? yes. सीख रहे हो आज? yes. सही आया मैं आपको सिखाने? yes, yes. चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप तो सीख रहे, मेरा कारगर हो गया आनंद। हाँ 3:18 से सब पवित्र लोग इन्हीं को पढ़ने दे प्लीज। मैं चाह रहा हूँ रिकॉर्ड हो तो उसके लिए आवाज अच्छी तरह रिकॉर्ड हो। आई
और आपको ये बाद में मैं इसको पूरा आप YouTube पे डालूंगा, आप कभी भी देख सकेंगे, लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। दैट इज वाई आई डू। बाकी मेरे को शौक नहीं है कैमरे के सामने खड़े होकर, बट आप लोगों के बेनिफिट के लिए करता हूँ। जी बोलिए। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। सॉरी 18 गलत बोल गया मैं, इसको थोड़ा सा बेटा ऊपर से पढ़ 14 से पढ़। मैं इसी कारण जी उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, हाँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। अच्छा, घराने का नाम माने जो विश्वासी है उसके लिए प्रार्थना करता है, तो प्रभु में है वही घराना, अन्य जाति के लिए नहीं कर रहा है। हाँ, आगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। मैंने बताया था परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, पवित्र आत्मा, वही चीज इसको बता रहे हैं कि उसके आत्मा से बलवंत होते जाए। आगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, फास्टिंग के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में बसे। हाँ, फिर कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। समझ कहाँ से आती है, बुद्धि से, बुद्धि से आती है समझ। तो यहाँ लिख सकते भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है जी, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। अब बड़ा अजीब लग रहा है, ज्ञान कहाँ आता है, यहाँ क्या लिख रखा है, ज्ञान से परे। मैंने जो ऊपर की बात जो लिखी ना जान सको, वो इस बुद्धि में नहीं कि हाँ यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, जो जानते हैं सब लोग ही जानते, क्योंकि गांधी जी भी जानते थे यीशु मसीह प्रेम करता है, मन वो नहीं है ये। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये है परिपूर्ण होने का तरीका। तो क्या है, जब परिपूर्ण कैसे होते हो आप, जब दिन प्रतिदिन परमेश्वर का प्रेम अनुभव करते हो। जब मेरे को ये पता, मेरे को मिनिस्ट्री करना बहुत आसान है, पहले तो मैं यही सोचता था फास्टिंग करूंगा तो जाकर कर सकूंगा, यहाँ इतने दिन अच्छा चलूंगा, आज सुबह बाइबल पढ़ूंगा, ये नहीं कह रहा हूँ। देखो मैं पहले ही बताते हूँ, बाइबल नहीं पढ़ने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, बाइबल जो सारा आज सिखा रहा हूँ पूरा बाइबल के एक एक वर्सेस से सिखा रहा हूँ, बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा आप। तो बात समझने की ये है कि ये आपके जो सर से आप जानते हो कि यीशु मसीह प्रेम करता है, जगत के लिए मारा गया, वो नहीं है, वो आप दिन प्रतिदिन व्यक्तिगत परमेश्वर का प्रेम जो अनुभव, जितना करते जाओगे उतना लंबाई चौड़ाई गहराई तब आप भरेगा। सो सिंपल, इट इज नॉट योर लव टुवर्ड्स जीसस, क्योंकि उसने हमसे पहले, हमारी का सारे लोग हम परमेश्वर को कितना उससे नहीं भरे हुए, आप कितना भी प्रेम करो बन नहीं सकते। पर आपको जब ये पता पड़ जाएगा कि परमेश्वर आपसे हमेशा प्रेम करता, वो छोड़ो प्रेम करता नहीं प्रेम कर चुका है, आधे से ज्यादा ये भी नहीं समझ भाई गॉस्पल क्या है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम करेगा किया है, इसीलिए कहते हैं परमेश्वर गॉस्पल में सामर्थ क्यों है, क्योंकि वो सब चीज हो चुकी है, इसके लिए है इसमें सामर्थ। Amen. किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, हमारे तो आधे से ज्यादा भी यही ना, मैंने बताया शुरुआत में, आज जवाब दे रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे नाराज क्यों, क्योंकि आज हमने ये नहीं करा वो नहीं, ये मानते है ना, है क्योंकि फ्रेंड हजो मत है सर से बताओ पढ़ो, अब पुराने नियम से बताता हूँ, ये शायद यशाया 54 और 9 पढ़
अब ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, ये भी एक मिनट, ये पुराने नियम में लिखा है मगर ये भविष्यवाणी है नए नियम वालों, पुराने नियम वालों के, पुराने नियम में बहुत नाराज होता था पता, एक ही दिन में 30,000 मरवा दिया, नूह के टाइम में तो कोई व्यवस्था नहीं थी, सबको डुबा दिया था ना, ऐसी था yes. और इसी चीज को बताया भी है, पुराने नियम में परमेश्वर बड़ा क्रोध दिखाता, पर ये तब भी बता दो, तब भी वो प्रेमी परमेश्वर था क्योंकि ये परमेश्वर प्रेम है। प्रॉब्लम ये थी कि पुराने नियम में जब लोग पाप में चले गए हुए थे तो उनको निकाल नहीं सकता क्योंकि नया जन्म हो नहीं सकता। वो उसी तरह से है कि जब आपका चोट लग गई और गैंग्रीन हो गया तो फिर कोई इलाज नहीं, काटना ही पड़ेगा उसके लिए, तो परमेश्वर का प्रेम की चीज है कि जो उसको मारना पड़ा, परमेश्वर देखो एबल और क्रेन, केन पहला मर्डर और परमेश्वर क्या कर रहा है, कप्पा लगा रहा है, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसके, मेरे प्रभु ही अजीब है, मैंने मर्डर बचाने में लगा हुआ है, क्यों नहीं कर सकता, कोई व्यवस्था नहीं थी, जब तक व्यवस्था नहीं है तो पाप लगाया नहीं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आज इंडिया में आईपीसी और सीआरपीसी नहीं हो और मैं मर्डर करके आऊँ मेरे पर कोई सजा नहीं हो सकती, अगर नहीं हो कोई नहीं सजा दे सकता, क्यों, क्योंकि बिना कानून के आपके ऊपर सिद्धि नहीं हो सकती। अब समझ में आ रहा है भाई व्यवस्था क्यों लाना पड़ेगी, सब पाप में धसे हुए थे, मेरे को लगता ही नहीं था कि पाप में, इसके लिए लाया गया व्यवस्था, आपको कोई विश्वास और वो चीजें देने के लिए नहीं आया, धर्मी ठहराने के लिए नहीं लाया, आपको ये समझाने के लिए तुम, और आपको व्यवस्था कब दी गई, अगर व्यवस्था देनी थी मेरे हिसाब से जब ये हमारी नॉलेज है तो कायदे से तो आदम और हवा को दे रहना चाहिए था जिस दिन पाप में गिरे, भैया सही कर लो इस व्यवस्था के अनुसार और हम तो कोई पापी नहीं हो नहीं सो सिंपल, गलती उन्होंने करी थी, व्यवस्था उनको देता कहता है सुधार लो अपने आप, मगर व्यवस्था से नहीं हो सकता क्योंकि बाइबल में लिख रखता है इब्रानियों 9:22 में, प्राय पढ़ना इस वर्ष के पर, और ये अभी 54 पे आऊंगा मैं वहां से पूरा नहीं पढ़ा, सच तो यह है हाँ कि व्यवस्था के अनुसार, हाँ व्यवस्था के अनुसार ही है वो भी, हाँ प्राय हाँ सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, किसके द्वारा शुद्ध की जाती है, लहू के द्वारा, तो वो भी कैसा लहू, निष्पाप निष्कुल निष्कल, तो पाप से बचने के लिए व्यवस्था नहीं है, लहू का बहाना है, इसके लिए सुसमाचार से हम आई बात समझ में, सुसमाचार को हमको पूरे रूप से समझना चाहिए क्यों उसमें सामना, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार भी पाप की माफी का भी हो सकता, और ये खाली आपको बाइबल में नहीं लिखता, मुसलमान भी यही मानते हैं, हिंदू मानते हैं, वो चढ़ाते हैं ना देवी को कौन से, तो उसमें उनको चढ़ाना पड़ता है छोटा बकरा जो निष्फोट निष्पाप बलि का है, पता सब जगह है सारे धर्म में बलि का, आगे बात समझ, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है सारे धर्म में, पर स्पष्ट कहाँ हो रहा है बाइबल में कि अब वो कौन बना, यीशु मसीह बना, अब नहीं चढ़ाना है तो बन चुका है उस पर विश्वास, चलिए वापिस चलिए यशाया 54 में, यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे अब देखो ये वो वाला इशू बता रहा है कि नूह के टाइम में सारे लोग को मार दिया, फिर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी शपथ खाई कि मैं अब नहीं डूबा और नहीं डूबेगा, ये क्लाइमेट चेंज सब गलत है आजकल जो क्लाइमेट चेंज का चल रहा है ना, वहाँ पानी सब बह रहा है और सब डूब जाएगा, सब हो ही नहीं सकता भाई, फिर परमेश्वर ने कहा अब मैं पानी से नाश नहीं करूंगा, सारे साइंटिस्ट सब फेल हो जाएंगे देखो, और आप कभी गलती से क्लाइमेट चेंज की कोई वीडियो मत देख लेना, आपको लगेगा अभी आप भी डूबने वाले
ऐसे दिखाते हैं। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये सब पहले चीजें मैं मानता था, और हमारे क्लाइमेट चेंज में तो फॉरेस्ट में बताना पड़ता था, तो मैं नहीं बताता था, मैं जानता था सत्य हो ही नहीं सकता। सही बात में आप जानते नहीं, आप परमेश्वर को जान जाओगे, वचन को जान जाओगे, सारे सब बेकार हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने बांध रखी है सीमा क्रिएशन की, वो कोई समुद्र ऐसे नहीं जहाँ मर्जी बढ़ जाएगा। अगर चलिए फिर बढ़ते आगे, तो यहाँ शपथ खाई, क्या परमेश्वर को शपथ खाने की जरूरत करने की जरूरत है? शपथ मतलब भी कह रहा है मैंने शपथ खाई है। हाँ पढ़ो आगे। वैसे ही जैसे नूह के सामने शपथ खाई और आज तक उसको मेंटेन कर रहा है, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा। फिर तुझ पर क्रोध ना करूंगा। हिल गया इसका ताज। अभी तक तो यही मानती थी पता नहीं कुछ करूंगी तो क्या क्या हो जाएगा, क्रोध ना करूंगा, वहीं नहीं खत्म करा, और क्या लिख रखा है? और ना तुझको धमकी दूंगा। आज हमारी कलीसियों में क्योंकि आप धमकी ही नहीं देते तो परमेश्वर आपके मेडिकल बिल से ले रहा है, धमकी दे रहे हैं वो सही। आप धमकी नहीं देते तो आपके साथ ये हो जाएगा। मैं बताऊं आज मैं कोई धमकी भी नहीं दूं तब तभी परमेश्वर नहीं मारेगा। हमें परमेश्वर को देखी इसके कारण नहीं देते कि डर के कारण, परमेश्वर प्रेम मुझे विवश करता। मैं पता दहेगी के जब मैं सीएनआई का मेंबर था, मैं दहेगी क्या मानता था, 10 रुपये डाल के मानता था दहेगी, 10 नंबर है ना, ऐसी था। और उसके बाद हालत ये थी कि तीसरे हफ्ते में मेरे पास पैसे नहीं रहते और मैं अपने कंप्यूटर पर सारा हिसाब रखता था। उस 1980 पहले ब्रेड आती थी 3.5 रुपए की, अंडे छिलाया उसके इतने में अभी सब डालता था मैं, सही में तीसरे हफ्ते में पैसे नहीं रहते। IFS ऑफिसर दुनिया के माने इंडिया के सबसे अच्छे टॉप जॉब में, और फिर आकर सबसे पहले बोलता था बीवी से, नीलू कुमार बोला यार तू क्या करती है, सारा खर्चा करवा देती है और कुछ नहीं बचते मिलता। बड़ा प्रेम से जवाब दिया, मैं खाली खाना बनाती हूँ, खाते आप लोग। तो मैं समझ ही नहीं आता, पर जब प्रभु में आया जब समझ में आया। अब आपको मैं लिखा कहा है छेद वाले थैले में पैसे लेकर आप तो पता ही नहीं, आप बचा ही नहीं पाओगे। और जिस दिन यीशु मसीह में आया मैंने सबसे पहले वो हिसाब रखना बंद कर, सबसे पहले बंद कर, और अब उसके बाद मैं लास्ट डे भी जाकर 5-स्टार होटल में खा कर आ सकता हूँ। और मैं कभी पहले कुछ नहीं देता था, 10वां अंश नहीं, मैं आज की तारीख में भी बता दूँ 10वां अंश बहुत ज्यादा देता हूँ। मेरे को पता है किसी बैंकर से तू मत चले ना पैसा बचाने के पूछने, वो कहेगा जमा कराओगे जब भी बच्चे भाई मेरे को देखो तू का 6:37 दोगे तो दिया जाएगा थपथपा के भरा हुआ। अब आपको कैसे हो सकता है बैंकर को पूछना, कभी मना कर दे क्या गलत लिख रखा है सब, आप जरा फिक्स्ड डिपॉजिट में डालो फिर उसका इंटरेस्ट बनाओ और फिर जाकर बढ़ेगा बोलेगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे अजीब तरीके से, मैं पहले इतना जरूर बता दूंगा आपके पास कोई एक खत्ता जरूर होना चाहिए जब भी ब्लेस हो, डिटॉनमी लिख रखता मैं तेरे खत्तों को आशीष, बैंक अकाउंट जरूर रखना जब भी आशीष मिलेगी प्रॉफिट से, नहीं तो खाली कर। और मैं आपको बता दूं समझ भी नहीं आएगा आपको, मैं अभी अभी कोविड के टाइम में मेरे बड़े बेटे की 2021 में, छोटे बेटे की 22 में शादी करी, दोनों बराबर के हिसाब से, तो मैंने एक बैंक अकाउंट रख रखा था जिसमें जब मेरा पेंशन का पैसा मिला तो मैं कहीं ऐसा ऐसे खर्चे और छोटे ले रखा, वो आज भी बैंक अकाउंट आज क्या चल रहा है 2400। और इस साल मैंने अभी नेक्सॉन जो मैं लेकर आया हूँ 16 लाख की गाड़ी मिली, लगभग 1.5 लाख के खर्चे दोनों बच्चों के, उस बैंक अकाउंट में मैं जब भी देखता हूँ उसमें पड़े रहते हैं 12 लाख से ऊपर ही रहते हैं, मैं बता नहीं सकता वो कहाँ से बना हुआ है, जबकि 4 साल में मैंने इतना खर्चा कर रखा है। दैट इज हाउ गॉड ब्लेसेस।
और क्यों मैं जानता हूँ कि जाऊँगा तो भरा वही रहेगा, तो पता तो खाली नहीं। मैं फाइनेंस एरिया में विश्वास में मेरे को कोई चिंता ही नहीं है, हमारे तो अभी भी जूझ रहे हैं दरिंदी देवे कि नहीं देवे। अरे आप 20 दशमांश दोगे तो 90% भी आपको 100% से हो जाएगा, अब आप 20 अंश दे दोगे तो 80% भी 100% से ज़्यादा रहेगा आपके। वो फंडा क्यों बाइबल में लिख दिया उसने? परमेश्वर के वचन को कभी डाउट मत करना, जो लिखा है उसको मान ले, अपना दिमाग मत लगा। मैं अभी जो ब्रदर एलन गुडविन आया था वो इस चीज को अपनी गवाही में भी लेते हैं, ये 2001 की बात है, प्रभु में आया हुआ था 98 में, और प्रभु ने बोला मेरे को इनको चमाओ, अच्छा हैवी उस जमाने के हिसाब से बड़ा अच्छा हैवी बना इनको भेजो। उसी टाइम हम लोग परिवार जो है के कुआलालंपुर जाने वाले थे, मेरे वाइफ की बड़ी सिस्टर आ रही थी बच्चों की छुट्टियों में, और उसमें क्या होता है उस टाइम जाना पड़ता था तो 500 डॉलर लेने पड़ते थे, उसका ठप्पा लगता है जब ही जाने देते हैं, उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए थे। अब मेरे को वही सोच रहा था ये दे दूंगा तो मैं बिल्कुल कैसे हम लोग का ट्रिप कैसे। 6 दिन तक परमेश्वर मेरे को बोलता रहा था, वो तो मैं बिल्कुल आकर दे दूंगा करता रहा। फिर अंत में मैंने सुबह सुबह इनके फ़ोन करा तो इनकी वाइफ ने उठाया, मैंने तो ब्रदर से बात करी कि ब्रदर को तो आज सुबह से कमरे में घुसे हुए प्रार्थना करते हैं, तब तक मेरे को पता नहीं अभी भी 2-3 घंटे तो हो चुके हैं, सीधा डरती लगाई मेरे को क्या तू क्या मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, जा फौरन जाकर कट गया, 11-12 बज गए थे, मैंने फट जाकर डांट लगी थी, डांट ऐसा नहीं कि परमेश्वर नाराज हो सकते रोज को लेकर कर नहीं करता पता था ही। मैं गया और ड्राफ्ट बनाकर मैंने पोस्ट कर रजिस्ट्री कर, फिर आकर मैंने वापस घर पे आकर 2-2.5 बजे फोन कर तभी मिले थे। मैंने इनको सीधा ये सब बताया, मैंने कहा प्रभु ने मेरे को बोला था इतना अमाउंट मैंने आपको ड्राफ्ट से भेज दिया 2 दिन में आ जाएगा स्पीड पोस्ट। सही में तो सुबह से यही प्रार्थना कर रहा था प्रभु कोई व्यवस्था तो कर, मेरे को ये धन चाहिए। मेरे को प्रॉब्लम क्या थी वो दे दिए तो मैं बोला क्या आप मानोगे नहीं, दूसरे दिन सुबह मेरे पास बैंक अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा पैसे मेरे ऑफिशियली जो बिल मेडिकल बिल या ऐसे कुछ अटक जाते ना बजट में, ये फलाना नहीं है सब आगे सब आगे मेरी जरूरत भी पूरी करी उनकी भी जरूरत पूरी करी, और फिर मैं खेल गया वहाँ पर मैंने सेविकाई भी करी, 500 डॉलर लेकर जाकर उसी से गई खरीदारियाँ भी करी, वीडियो कैमरा भी खरीदा सब करा और वापिस आया। वापिस आकर क्या होता है कि लास्ट डे मैंने एक चर्च में हाउस चर्च था उसमें मिनिस्टर करा, उन पादरी साहब ने लंच हमको लेकर गए, लंच खाया छोड़ दिया, दूसरे दिन सुबह हमको वापस फ्लाइट फ्लाइट पकड़ी। फिर शाम को जब मैंने बाइबल खोली तो उसमें कवर था, तो उसमें $700 का अमाउंट था पैसा। आमीन आमीन। तो यहाँ तक पता तो वहाँ पे जाकर मैंने, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं थे तो वहाँ पे मैंने अपनी दही की वो सब वहाँ पे चर्च में उनकी मिनिस्ट्री में सो गया वो सब दिया, और उसके बावजूद भी $500 से ज़्यादा $700 लेकर सारी खरीदारी। आपके समझ के बाहर है ये चीज़ नहीं, दिमाग मत लगाते रहना कैलकुलेशन कैसे आएगा। व्हेन ही सेज ही विल प्रोवाइड देगा, तो आपकी सारी वो जरूरत है हमारे, ऐसी जरूरत है हमारे रोजमर्रा की, पर वो जरूरत को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोजें उस सारी जरूरतों की प्रार्थना भी नहीं करेंगे जुड़ जाएगी। आमीन आपकी कोई आकर बताएगा जब रोके हैं या चले गए बता दो, क्योंकि 1 बजे की बात नहीं थी मेरे से 54-9 तक पढ़ा था 10 पढ़े मैं सभी स्कूल था पढ़ता वो भी होती चाहे पहाड़ हर किसी मेरे हाथ से तो भूख नहीं करी है। यू नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट लिव बाय ब्रेड अलोन है, आज भूख थोड़ी लग रही होगी इतना बच्चन खा गया। अच्छा बोलिए। हाँ
54 चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। अब मेरे को ये बताइए ये क्यों संभव हो रहा है? पुराने नियम में मैंने बताया ना परमेश्वर ने मार दिया सब, पर यहाँ ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे लिया? क्योंकि ये यशायाह 53 के बाद, यशायाह 53 में क्रूस की भविष्यवाणी जो थी कि ना मैं क्रूस पे कभी सारे तेरे पाप को लूंगा, तो सब हो गया। अर्थात क्रूस का काम गॉस्पेल हो चुका है तब ये संभव। और परमेश्वर का पूरा क्रोध आज है ही नहीं, क्योंकि उसने सारा क्रोध क्रोध यीशु मसीह पे डाला। इसके लिए आज हमारे पर क्रोध ये है गॉस, आज इसके लिए नाराज नहीं। और हमारे तो कलीसियों में सब धड़ाधड़ AK-47 चलाते हैं, तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर तो पाप आप करते रहे। ऐसा नहीं, उनके पांच में लिखा अनुग्रह इसके लिए नहीं हुआ कि तुम पाप से, वास्तव में जब आप अनुग्रह प्राप्त कर लोगे तो पाप में नहीं मिल सकते। The antidote for sin is grace, not law. अगर आप कलीसियाओं में पाप करते हुए देख रहे लोगों को, वास्तव में उन्होंने अनुग्रह पाया ही नहीं ना सकते, क्योंकि हमारे को हमें अनुग्रह ज्यादा सिखाते हुए थे उनको पाप करते। पौलुस बेचारे को रोमियो 5 में भी, रोमियो 6 में भी दो बार लिखना है अनुग्रह के लिए इसके लिए नहीं हुआ कि तुम पाप करते रहो, कला भी नहीं लिख रखा, क्योंकि अनुग्रह ही तो है जिससे आप पाप में से निकलते हो, पापों की माफी मिलती है, कंडेमनेशन मिलता है, इसके लिए बहुत सामर्थ्य है अनुग्रह। इसीलिए नई वाचा जो है अनुग्रह की वाचा, क्योंकि अनुग्रह स्वयं यीशु मसीह, इसीलिए अभी पढ़ा ना टीटस में अनुग्रह इसके लिए प्रकट का कि हमारे को सिखाता है कि हम इस संसार की लालसाओं को तो मन फेर के इस युग में संयम से धर्म से चले। कभी अगर जब तक आप अनुग्रह नहीं बताओगे ना कलीसिया में, समझोगे नहीं, आप पाप में फंसे हुए। लिखा था 6:14 में पाप की प्रभुता नहीं, क्योंकि हम आधे आप मिक्स करते हैं, लॉ भी पढ़ाते रहते हैं और अनुग्रह भी पता नहीं। भाई यीशु मसीह ने बोला ये नहीं चल सकता है, पुरानी मस्त में नया आकर्ष नहीं बन सकता, यही हो रहा है। दोनों चीज आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था हमेशा कर्मों पर आधारित है। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं अनुग्रह का बाइबल से, रोमियो 11 का 6। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं। बड़ा क्लियर, जैसे आपने कर्म जोड़ दिया फिर वो अनुग्रह नहीं, फिर तो क्या वो वेजेस है। आगे यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। तो आपका उद्धार कभी भी कर्मों से नहीं हो सकता है, अनुग्रह से होता है, मगर अनुग्रह आने के बाद आपके अंदर, और अनुग्रह से हमारे को धार्मिकता का दान मिलता, वो भी कमा नहीं सकते। पर अब जब अनुग्रह हो जाता है तो हमारे अंदर अच्छे काम उत्पन्न होते हैं और धार्मिकता के फल उत्पन्न होते हैं। ये धार्मिकता का फल कैसा होना चाहिए इससे लेकर मैं खत्म करूंगा, उसके बाद आपको कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आगे बढ़ता हूँ। पढ़िए फिलिपियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि
कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, किसने शुरू करा? प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे अंदर एक अच्छा काम शुरू हुआ, अब पूरा हमको करना है, ऐसा नहीं लिख रखा। क्या लिख रखा आगे? मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हम अपना पूरा करने वाला, तो यह भी उसके लिए वर्षी ढूंढते हैं, घर से कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। फिलिपियों में उसको अपने ले आता हूँ, समझाता हूँ। फिर आगे क्या लिखा है? 11 पढ़ना। और उस धार्मिकता के फल से, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा है? आपके द्वारा। धार्मिकता का फल भी आपसे नहीं चाहिए परमेश्वर, वो आपके अंदर जो है वो यीशु मसीह है। आगे भरपूर होते जाओ। क्या लिख रखा है? छटाक बना दे, भरपूर होते जाओगे आप। और आगे जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आपकी महिमा और स्तुति के लिए नहीं देता है, उसकी महिमा आपको दीन बना दे, आप कोई भी क्रेडिट ही नहीं लोगे। उसको भी समझाते हैं, जाओ जिसको कंफ्यूज होते हैं। फिलिपियों 2:12 पढ़ो। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए जी, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये क्या है करना? डरते हुए और खपते हुए उद्धार का पूरा करना। क्या ऐसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बताओ? मैं यहाँ कैसा डरते हुए खपते हुए ये कौन सा डरना और कांपना है तू बताइए? ये लोग तो सब चुप है, बता क्या लग रहा है तेरे? डरते हुए कांपते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं संपूर्ण एक्चुअली में क्या बाइबल को कभी भी संसार के तरीके से मत इंटरप्रेट करना। पढ़ते हैं इसके पहले भी नहीं रखना। 33 यरमाया 33:9 पढ़ो। ये डरना और कांपना क्यों होता है यहाँ समझना। वे सब भलाई के काम करेंगे, नहीं लिख रखा है? सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर, कल्याण नाश होने की नहीं, कल्याण और शांति की चर्चा सुन के जो मैं उनसे करूंगा। कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। फिर डरेंगे और थरथराएंगे। क्या लिख रखा? डरेंगे। ये है वो डरना और थरथराना, क्योंकि वो भला है, वो आपके लिए, इसके लिए। वो वाला डर नहीं है ये है डर। अब आप इसे लोग 12 में तो फिलिपियों 2:12-13 पढ़ो। इसलिए हे मेरे प्रियो, ये इसलिए शब्द आते ही मैंने 12 से जुड़ा हुआ। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए। ये तो पढ़ लिया था ना, तेरा पढ़ो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि क्योंकि भी वही मतलब है कि आगे से जुड़ा हुआ है। हाँ, परमेश्वर ही है किसने, परमेश्वर ने अपनी सुइच्छा नियमित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। वो भी अनुग्रह से, आप से नहीं है। आई बात समझ?
ये है मतलब इसका, इसमें ये नहीं कि आप कोई ऐसे डरते हुए पता नहीं घबराते हुए करना, क्योंकि उसने जो आप भला है वो कर रहा है तो उससे ही डर आप बराबर। कई बार जब पवित्र आत्मा का जब जगह सब हिलने लगते हैं ऐसा लगता है डर गए, नहीं भलाई का काम के कारण वो डरने और काम के लगते हैं, पता ये है वो कारण। जब पवित्र आत्मा का एक जबरदस्त अभिषेक होता है तो यहाँ पे हम खत्म करें, दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा समय आप लोगों को दूंगा प्रश्न, कोई आप पूछना चाहते हैं पूछिए सर, समझ में आया कोई चीज? और आप लोग अगर कुछ ऐसी चीज चाहते हैं, जैसे कल भी कोई ना कोई एक सेशन दूंगा मैं, अगर आप कुछ विशेष चीज सीखना चाहते हैं उसके बारे में बताएं तो मैं उस पर कल का चर्चा रखूँ। शेयर इट, आप में से या तो कोई विषय लिख लीजिए, कागज वागज कभी नहीं है तो लिख लीजिए और लिख लेंगे, वहाँ किसी को बोल देंगे, आपको दे देंगे, और आपके पास सर के पास वो मेरा नंबर है उसे लेकर उसको व्हाट्सएप पे डाल देंगे जी। हाँ प्रश्न, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिला, थैंक यू। यस प्रेज़ गॉड जी। और कोई क्वेश्चंस? मैंने बहुत अच्छा शिक्षक हूँ, कोई बच्चा ही नहीं सारे उत्तर दे दिए हैं सही में, और ये कुछ भी नहीं समझ में आया है, हम ही तो नहीं पूछ रहे हूँ मैंने कौन सा वाला है वो पढ़ लू। हाँ कुछ पूछना चाह रहे तो ये खाना बहुत जरूरी है प्रश्न जरूरी नहीं हो। आई थिंक आप लोगों को जो भी मैंने ऐसी चीजें दिमाग में रही होंगी इन क्षेत्रों में प्रकाशन बहुत अच्छा मिला होगा, बोलो तो यार हमारे को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा तभी आगे चल रहे हैं, लेकिन कोई बंद करें ये सब एक डेढ़ डेढ़ को दो घंटे तीन घंटे काहे के लिए मैं बोलता रहा, मैंने बताया ना मेरे को जरूरत नहीं ये सब करने के लिए, मैं उस चीज़ का नहीं हूँ इससे भी कहीं इसके लिए कर रहा हूँ पेड़ भर जाएगा, दैट्स नॉट माई पर्पस। एक बच्चा होगा पास सब मिल लो, और अगर वो चाह रहे हैं कि खाना नहीं लग पा रहा है थोड़ा लंबा करना कर दो आई थिंक वी स्टॉप, इवन इसके बाद भी आप लोग गिफ्ट करने से कुछ पूछना चाहते हैं आ सकते हैं।